हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर वन शॉट पे देखने वाले फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। इससे पहले हमने यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग और आपका स्टीरियो केमिस्ट्री को कंप्लीट वन शॉट पे देखा था। वो वीडियो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने क्लास 11th में पहले से पढ़ा हुआ है, तो लगभग आपकी चीज़ इसमें सेम है, बस आपके दो तीन टॉपिक्स में एक्स्ट्रा है। जैसे आपके यहाँ पर ये हो गया, आपके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया, रेडियल एंगुलर वेव फंक्शन है, फिर आपका स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, ये आपके एक्स्ट्रा टॉपिक यहाँ पर है। बाकी सब चीज़ें आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में सेम है जो आपने क्लास 11th में पहले से पढ़ी हुई है। ठीक है, इसके जो आपके नोट्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, फिजिकल केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उसके नोट्स के लिंक मैंने नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी पीसीएम के कंबाइन नोट्स का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले हम देख लेते हैं कि आपके कौन से टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स है जो इस वीडियो पे हम कवर करने वाले। जितने भी टॉपिक्स मैंने आपके यहाँ पर लिख रखे हैं सबके सब आपके इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस समय आपसे क्वेश्चन पूछे गए इनसे, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है वो है डी ब्रोगली का, डी ब्रोगली कंसेप्ट। इसमें आपके डी ब्रोगली की इक्वेशन हो गया, डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस है वो आपका इंपॉर्टेंट है, डी ब्रोगली का रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट है, और फिर इसमें आपके डी ब्रोगली से रिलेटेड कुछ आपके न्यूमेरिकल्स है, कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, इक्वेशन हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, रिलेशन हो गया और आपके न्यूमेरिकल्स हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, क्लास 11th में आपने पहले से देखा हुआ है, वही चीज़ आपकी सेम है यहाँ पर, थोड़ा सा और डिटेल पर हम देख लेंगे। फिर आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, ये हमें देखना है। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, इसमें आपका डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है, इस सेमेस्टर पर आपका डेरिवेशन यहाँ पर नहीं है स्क्रॉडिंगर पे। बीएससी 6 सेमेस्टर पर आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर देखोगे, फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी 6 सेमेस्टर पे आपका क्वांटम मैकेनिक्स का एक यूनिट है जिसमें आपका स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का एक टॉपिक है, उसमें आप डेरिवेशन देखोगे स्क्रॉडिंगर का। वरना आपका यहाँ पर जो अगर आपकी फिजिक्स यहाँ पर है, अगर आपकी फिजिक्स है तो बीएससी फिफ्थ सेम पे भी आप क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ोगे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का पूरा आपका चैप्टर है वहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स पे, बीएससी फिफ्थ सेम फिजिक्स के अंदर, तो वहाँ पर आप पूरा देखोगे स्क्रॉडिंगर के बारे में। उसमें आपके जो डेरिवेशन है टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन का, वो आपको पढ़ना है यहाँ पर, उसकी वीडियोस मैंने बना रखी है, वो आप देख सकते हो। वैसे अभी तो आपको जरूरत नहीं है, फ्यूचर पर आपको देखने को पड़ सकता है वो वीडियो, तो आप फ्यूचर में देखना आप वीडियो। ठीक है, तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन इंक्लूडेड नहीं है इसमें, बस आपकी जो मेन इक्वेशन है इसकी और उस इक्वेशन में जो आपके टर्म्स है उन टर्म्स का मीनिंग क्या है बस आपको वो पता होना चाहिए, बाकी इसमें उतना इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, क्वांटम नंबर्स हो गए, चार टाइप के जो आपके क्वांटम नंबर्स होते हैं, रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, शेप्स ऑफ एस पी एंड डी ऑर्बिटल्स है, ऑफ वो एनर्जी डायग्राम, इसमें आपका प्रिंसिपल भी इंपॉर्टेंट है, ऑफ वो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, हुंस रूल है, ये तीनों के तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स हो गए, तो वैसे आपके एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम देखेंगे इसको, दो चार एलिमेंट्स के हम देख लेंगे। वैसे आपने क्लास 11th 12th में पढ़ा हुआ है किस तरीके से हम एस पी डी एफ से हम एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो ईजी है आपका। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आपका एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया गया जो आपने क्लास 11th में नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसको हम देखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछे गए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। तो ये 14 के 14 टॉपिक्स आपको अच्छे से देखने हैं यहाँ पर। ठीक, ये 14 टॉपिक्स है सिलेबस में, आप देखोगे तो लगभग आपके इतने ही टॉपिक्स है और ये सब टॉपिक्स हम इस वीडियो पे यहाँ पर कवर करेंगे। पहला टॉपिक है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन का, या जिसे हम कह रहे हैं ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, देखो इनिशियल स्टडीज में, जब आपकी इनिशियल स्टडीज हुई तो उसमें आपका ये देखा गया कि जो आपका लाइट यहाँ पर है, लाइट का यहाँ पर पार्टिकल नेचर है, लाइट आपका पार्टिकल नेचर यहाँ पर एग्जिबिट करता है, ये आपके इनिशियल स्टडीज से यहाँ पर पाया गया। लेकिन फ्यूचर में जब आपका डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट हुए, फ्यूचर में जब आपके यहाँ पर डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स हुए, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो वहाँ से आपका ये देखा गया कि जो आपके पास लाइट फोटोन है, इसका पार्टिकल नेचर होने के साथ साथ आपका वेव नेचर भी है। क्या कहा मैंने, इनिशियल स्टडीज में आपका ये देखा गया कि जो लाइट फोटोन है उसका पार्टिकल नेचर है, लेकिन फ्यूचर में जब आपके ये डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स हुए, पोलराइजेशन के एक्सपेरिमेंट्स हुए, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन के सब आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो वहाँ से आपका ये देखा गया कि लाइट में आपका एक वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड है। तो वहाँ से आपको ये पता चला कि लाइट का यहाँ पर ड्यूअल नेचर है, समटाइम्स इट एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम्स इट एक्ट एज अ पार्टिकल, कभी वो आपका पार्टिकल तरफ एक्ट कर रहा है और कभी आपका वो यहाँ पर वेव की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपने डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट हो गए, या आपने इंटरफेरेंस हो गया, या फिर आपका पोलराइजेशन आता है, फिर आपका इसमें क्या आता है रिफ्लेक्शन है, और आपका यहाँ पर
रिफ्रैक्शन है, तो ये सब चीज़ें आपने किस में पढ़ी है? ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है यहाँ पर वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे, ये सब चीज़ें आपने वेव थ्योरी ऑफ लाइट पे यहाँ पर पढ़ी है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल डील करता है आपका पार्टिकल के साथ, और जो वेव थ्योरी है ये आपकी डील करती है वेव्स के साथ। तो इनिशियली तो आपके पार्टिकल नेचर शो कर रहे थे लाइट, लेकिन जब फ्यूचर में आपके डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वहां से आपका ये देखा गया कि लाइट में आपका वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड है, लाइट आपका यहाँ पर वेव नेचर भी शो करती है, जिससे हमें ये पता चला कि लाइट का, फोटोन का आपका ड्यूअल नेचर है, समटाइम्स इट एक्ट एज अ वेव एंड समटाइम्स इट एक्ट एज अ पार्टिकल। ठीक है, तो इसको देखते हुए लुइस डी ब्रोगली ने, ये चीज देखते हुए लुइस डी ब्रोगली ने, पूरा नाम इनका लुइस डी ब्रोगली था, 1924 पे इन्होंने ये सजेस्ट किया कि जब आपकी लाइट का ड्यूअल नेचर है, कभी वो आपकी वेव की तरफ यहाँ पर शो कर रहे, कभी आपका पार्टिकल नेचर यहाँ पर शो कर रहे, ड्यूअल नेचर यहाँ पर एग्जिबिट कर रहा है आपका लाइट, तो लुइस डी ब्रोगली ने 1924 पे ये सजेस्ट किया कि जो आपकी मैटर पार्टिकल्स है, जो आपके यहाँ पर मैटर पार्टिकल्स है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके जो मैटर पार्टिकल्स है, ये जब आपके मोशन पे होंगे, मैटर पार्टिकल्स जब आपके मोशन पे होंगे तो इनमें आपका एक वेव एसोसिएट करेगा। जब आपके मैटर पार्टिकल्स मोशन पे होंगे तो इन मैटर पार्टिकल के साथ आपका एक वेव एसोसिएट करेगा, और इस वेव को नाम दिया यहां पर लुइस डी ब्रोगली ने मैटर वेव्स। इस वेव को यहां पर क्या नाम दिया? मैटर वेव्स। ठीक है, क्या कहा मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं, लुइस डी ब्रोगली ने 1924 पे ये सजेस्ट किया कि जब आपका लाइट का ड्यूअल नेचर है, जब लाइट आपका ड्यूअल नेचर एग्जिबिट कर रहा है, कभी वो आपका वेव की तरफ यहां पर नेचर शो कर रहा है, कभी पार्टिकल की तरफ नेचर शो कर रहा है, तो जो आपके मैटर पार्टिकल्स है, मैटर पार्टिकल्स जब आपके मोशन पे होंगे तो मैटर पार्टिकल के साथ आपका एक वेव भी एसोसिएट करेगा, और उस वेव को क्या नाम दिया है? मैटर वेव्स यहां पर नाम दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो आपके मैटर वेव्स होंगे, अगर मैं इस तरीके से वेव यहां पर बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास क्या, यहां पर वो मैटर पार्टिकल है, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर वेव एसोसिएट करेगा, एक वेव पैकेट आपका एसोसिएट करेगा जब आपके पार्टिकल मोशन पे है तो। ठीक है, और इनका जो वेवलेंथ होगा, इन वेव्स का, इन मैटर वेव्स का जो आपका वेवलेंथ होगा वो आपका किसके इक्वल होगा? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और जो आपका मैटर वेव्स का वेवलेंथ है वो किसके इक्वल है? प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो ये आपका डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस था। और जो आपके यहां पर मैटर वेव्स आप देख रहे हो, ये मैटर वेव्स आपके डिफरेंट है फ्रॉम द मैकेनिकल वेव्स, जैसे साउंड वेव्स वगैरह हो गया, और आपके ईएम वेव्स से, उनसे आपके डिफरेंट है, ये मैटर वेव्स आपके यहां पर डिफरेंट है फ्रॉम दिस ईएम वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप क्या देखते थे कि इसमें जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है, कुछ इस तरीके से, जैसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये क्या हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये आपके क्या होते हैं? परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होते हैं। तो ये आपके अलग है, ईएम वेव्स आपके अलग है जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट है, लेकिन मैटर वेव्स में आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं करता है, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम द मैकेनिकल वेव्स एंड ईएम वेव्स। ठीक हो गया, तो लुइस डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस आपको समझ में आया, इसको यहां पर हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म पर देखते हैं। देखो ये आपका लुइस डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस है, क्या लिखा है? लुइस डी ब्रोगली इन 1924 पे, लुइस डी ब्रोगली इन 1924 गेव अ हाइपोथेसिस ऑन मैटर वेव्स। 1924 पे इन्होंने हाइपोथेसिस दिया मैटर वेव्स में, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, कोई भी पार्टिकल आपका जो मूव कर रहा है, या हम कह सकते हैं कोई भी मैटर पार्टिकल आपका जो मूव कर रहा है उसके साथ आपका एक वेव एसोसिएट है, उसके साथ आपका एक वेव एसोसिएटेड है, जिससे बोला है यहां पर मैटर वेव। ठीक है, एक वेव पैकेट आपका एसोसिएटेड है कोई भी पार्टिकल जो आपका मूव कर रहा है। द वेवलेंथ ऑफ सच वेव्स, और उस वेव्स का जो वेवलेंथ होगा इट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। और जो आपके मैटर वेव्स का वेवलेंथ है वो डिपेंड करता है पार्टिकल के मोमेंटम पे, पार्टिकल के मोमेंटम पे आपका डिपेंड कर रहा है उस वेव्स का वेवलेंथ। ठीक है, ही गेव एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ सच वेव्स। तो जो आपका वेवलेंथ, उन वेव्स का जो वेवलेंथ होगा उसका जो एक्सप्रेशन है वो किससे दिया है? लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मास टाइम वेलोसिटी। और ये मास टाइम वेलोसिटी क्या है? किसके इक्वल है? मोमेंटम के इक्वल है। देखो यहां पर वी है, वी का मतलब आपका ये बता रहा है कि हम यहां पर मेटेरियल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटेरियल पार्टिकल्स की। ठीक है, अगर ये आपका एम टाइम सी होता, मतलब मास टाइम क्या होता? स्पीड ऑफ लाइट होता,
तो हम बोलते हैं कि हम यहाँ पर लाइट फोटॉन्स की बात कर रहे हैं। अभी आपका मास टाइम वेलोसिटी है, तो यहाँ पर बात हो रही है मटेरियल पार्टिकल्स की, ठीक है। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या था, समझ में आपको आया? लुईस डी ब्रोगली ने 1924 पे एक हाइपोथेसिस दिया मैटर वेव्स में, जिसमें उन्होंने कहा कि हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ आपका एक वेव एसोसिएटेड है, एक वेव पैकेट एसोसिएटेड है, जिस वेव का वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है पार्टिकल के मोमेंटम पे, जिसका आपका वेवलेंथ डिपेंड कर रहा है पार्टिकल के मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा आपका वेवलेंथ उतना यहाँ पर कम होगा, ठीक है। और रिलेशन क्या है आपका, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मास टाइम वेलोसिटी, वेर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट। एच आपका प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड। ये आपकी प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है और ये आपको याद होनी चाहिए, वैसे क्वेश्चन पे गिवन होती है लेकिन फिर भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। वेर एम इज द मास, मास ऑफ द पार्टिकल, और आपका वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक हो गया। अब इसका हमें यहाँ पर प्रूफ देखना है, ये जो आपको लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मास टाइम वेलोसिटी दिख रहा है, इसका हमें यहाँ पर प्रूफ देखना है कि ये आपका आया यहाँ पर कैसे, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन क्या था कि जो आपका वेव्स का, मैटर वेव्स का जो वेवलेंथ है वो किसके इक्वल है, एच अपॉन मास टाइम वेलोसिटी के या एच अपॉन पी के, ये चीज हमने यहाँ पर देखी है, ठीक हो गया। तो देखो क्या है हमारे पास, हमारे पास क्या है यहां पर, जब अगर हम बात करें यहां पर प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन से, तो जो आपकी लाइट फोटोन है, जो आपके यहां पर लाइट फोटोन है, होप्स आपको यहां पर दिख रहा होगा, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा लिख लेता हूं, थोड़ा सा और बड़ा यहां पर लिख लेते हैं इसको। यहां पर हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन, प्लैंक्स थ्योरी ऑफ रेडिएशन फॉर अ लाइट फोटोन, एक लाइट फोटोन के लिए जो एनर्जी होती है उस लाइट फोटोन की, उसको हम कैसे शो करते हैं, ई इक्वल्स टू एच न्यू से, ऐसे शो करते हैं, ई इक्वल्स टू एच न्यू। और जहां पर न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी आपके पास, किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है। तो किसके इक्वल आएगा आपका, एच सी अपॉन लेमडा के, ठीक हो गया, ठीक है। अब हमें पता है यहां पर अगर आपके पास जो मास है यहां पर पार्टिकल का, वो अगर आपका कन्वर्ट होता है एनर्जी पे, इफ मास एम इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, एक और रिलेशन हम यहां पर देख रहे, इफ मास एम इज कन्वर्टेड इंटू एनर्जी, जो पार्टिकल मास है, हम बोल ले कि यहां पर जो आपका वेव, जो आपके ये मैटर पार्टिकल्स है, इसमें आपका वेव नेचर भी एसोसिएटेड है, तो जो आपका मैटर पार्टिकल का मास है, अगर वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो आपका मूव कर रहा है, तो फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, फ्रॉम आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप हमें क्या पता है कि ई इक्वल्स टू आपका एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको मान लो कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मान लो कि आपकी सेकेंड इक्वेशन है, तो हम बोलेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं यहां पर हम, एच न्यू इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और ये क्या आएगा, एच अपॉन लेमडा इक्वल्स टू एम सी, ठीक है। तो क्या बना आपका, ये लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन मास टाइम द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। या लिख सकते हैं इसको एच अपॉन पी, पी के आपके पास मोमेंटम है, जो किसके इक्वल होगा, मास इंटू स्पीड ऑफ लाइट के, ठीक है। तो एक रिलेशन तो क्या आ गया आपका, ये वाला आ गया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लेकिन जब हम बात कर रहे मटेरियल पार्टिकल्स के लिए, फॉर मटेरियल पार्टिकल्स, जब हम मटेरियल पार्टिकल्स की बात कर रहे, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, एच अपॉन मास टाइम वेलोसिटी आएगा, किसके इक्वल होगा, ये आपका एच अपॉन पी के। देखो यहां पर बात हो रही है आपकी लाइट फोटोन की, यहां पर बात हो रही है आपकी लाइट फोटोन की, तब यहां पर हमने स्पीड ऑफ लाइट लिखा है सी, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे मटेरियल पार्टिकल्स की, तो यहां पर हम सी ना लिख के वी लिखेंगे, मास टाइम वेलोसिटी फॉर मटेरियल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, एच अपॉन पी के। तो हम बोलेंगे कि लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, तो यहां पर हम लिख सकते हैं इसको, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, कि आपके पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा
उतना आपका वेवलेंथ यहां पर कम होगी, या हम कह सकते जितना आपका वेवलेंथ ज्यादा होगा पार्टिकल का उतना आपकी मोमेंटम यहां पर कम होगा। तो लैम्डा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। क्लियर हो गया? तो यह है आपका डी ब्रोगली इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पर हमने क्या लिखा है, कुछ आपकी वेवलेंथ हमने लिख रखी है कुछ आपके मेटेरियल पार्टिकल्स के, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन हो गया, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन का मास हमने क्या मास से पता है हमें क्या होता है 9.1 × 10⁻³⁻³ kg ये आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है और ये वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए। वेलोसिटी हमने मान ली है 1.2 × 10⁵। वेवलेंथ क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी से आप निकाल सकते हो, ठीक है, या पी इक्वल्स टू एम वी आप पुट करोगे यहाँ पर। एच की वैल्यू हमें पता है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, तो हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आएगा। वैसे हीलियम के लिए, हीलियम के लिए जो मास है 6.6 × 10⁻²⁷ रहता है, वेलोसिटी हमने इतनी एज्यूम कर रखी है, तो आप यहाँ पर लैम्डा निकाल सकते हो। वैसे बुलेट के लिए हो गया, फिर हमने और यहाँ पर मेटल पार्टिकल्स को कंसिडर किया, टेनिस बॉल हमने कंसिडर कर रखा, ठीक है, इसका मास थोड़ा सा और हैवी होगा इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम, ठीक है, इसकी वेलोसिटी आपकी थोड़ी सी कम होगी 350 हो गया या 25 हो गया। फिर आपके यहाँ पर हमने इसका वेवलेंथ निकाला हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी से। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट जो आपके मेटेरियल पार्टिकल्स है उसके लिए हमने यहाँ पर क्या निकाला हुआ है, वेवलेंथ निकाला है बाय द फॉर्मूला एच अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं इससे रिलेटेड। वैसे बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स है आपके, बस आपको फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी का या एच अपॉन पी का, वहाँ से सबके सब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्या बोला है, कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल विच हैज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। वेवलेंथ आपकी 1 एंगस्ट्रॉम की है और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखा है। मोमेंटम आपको निकालना है, फॉर्मूला आपके पास है एच अपॉन पी, पी इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा आपके पास होता है। एच की वैल्यू 6.26 × 10⁻³ है, लैम्डा की वैल्यू आपको 1 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और 1 एंगस्ट्रॉम होता है आपका 10⁻⁻ मीटर। ठीक है, तो सिंपल है, इसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 10⁻³⁴ × 10⁻⁰ होगा तो क्या आएगा 6.626 × 10⁻⁴ कितना आएगा आपका 24। ठीक है, बाकी क्या बनेगा आपका यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है और यहाँ आपका मीटर है, तो क्या बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल इज 5.65 × 10⁻²⁵ जूल। काइनेटिक एनर्जी आपको दे रखी है, फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन मास टाइम वेलोसिटी है, न्यू किसके इक्वल होगा वी अपॉन लैम्डा के। ठीक है, तो लैम्डा के आपके पास एच अपॉन एम वी है, तो ये आपका ऐसे बन जाएगा एम वी स्क्वायर हो गया अपॉन एच। आप क्या करो यहाँ पर, इस तरीके से कर लो, आप क्या करो यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड हमने कर दिया। ठीक है, इसको हमने कुछ इस तरीके से कराया, इसको हमने कुछ ऐसे कर रखा, यहाँ पर हमने हाफ से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर क्या मिला आपको 2 × ½ एम वी स्क्वायर लैम्डा के इक्वल है आपका, और यहाँ क्या मिला आपको एच मिला। ठीक है, और ये जो आपका हाफ एम वी स्क्वायर है यही आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है, गिवन है आपको क्वेश्चन पे, तो 2 × 5.65 × 10⁻²⁰ जूल ये हो गया। नीचे क्या आपके पास प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 × 10⁻³⁴। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखो 2 से आपका ये कटेगा 3.31 आएगा और ये बनेगा आपका 5.65 / 331 × 10⁹, ये बनेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, देखो आपको निकालना क्या था, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो यहाँ पर ही फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा, मैंने यहाँ पर लैम्डा लिखा है, ये आपका फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करोगे आप 565 को 331 से, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 1.7 या 6 जाएगा, 1.7 ऐसे कुछ बनेगा आपका, 331 565 करोगे तो 331 43 और 2, तो 2340 331 7 जा करो 7 जैसे 21 2317, तो 1.7 जो जाएगा आपका, तो 1.7 × 10⁹ फ्रीक्वेंसी है, तो आप यहाँ पर सेकंड इन्वर्स लिखोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी आपकी 1.7 × 10⁹ सेकंड इन्वर्स ये आपका यहाँ पर बनेगा। ठीक हो गया, तो ऐसे ही आपके सिंपल न्यूमेरिकल्स बनते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में या डी ब्रोगली इक्वेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो हमने यहाँ पर न्यूटनियन फिजिक्स पे या हमका हमने क्लासिकल फिजिक्स पे ये देखा है
कि कोई भी आपका मूविंग पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल जो आपका मूव कर रहा है, तो उस मूविंग पार्टिकल का हम साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, हम यहाँ पर उस पार्टिकल का पोजीशन और उस पार्टिकल की वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द न्यूटन लॉस। ये हमें क्लासिकल फिजिक्स से पता है कि कोई भी पार्टिकल है आपका जो मूव कर रहा है, साइमल्टेनियसली हम उसका पोजिशन और उसकी वेलोसिटी या मोमेंटम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की या क्वांटम फिजिक्स की, जब यहाँ पर हम बात करेंगे, तो क्वांटम फिजिक्स पे आपके पास जो पार्टिकल है, या हम कहेंगे जो आपका मूविंग पार्टिकल है, इसका क्या है, इसका आपका ड्यूअल नेचर है। इस पार्टिकल का आपका ड्यूअल नेचर है। ड्यूअल नेचर मतलब कि पार्टिकल आपका वेव नेचर भी शो कर रहा है और पार्टिकल का अपना एक पार्टिकल नेचर भी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इलेक्ट्रॉन जब आपका मूव कर रहा है तो उसके साथ आपका वेव भी एसोसिएटेड है और इलेक्ट्रॉन आपका पार्टिकल की तरफ भी एक्ट यहाँ पर कर रहा है। वैसे आपके दूसरे जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आपके इसमें ड्यूअल नेचर आपका शो हो रहा है। कभी आपकी वेव की तरफ एक्ट कर रहे हैं, कभी आपका पार्टिकल की तरफ यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्वांटम फिजिक्स से ये चीज़ पता है। ये अभी हमने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे देखा था कि कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ आपका वेव भी एसोसिएटेड है। तो ऐसे केस पे जब हम बात करें कि पार्टिकल का वेव नेचर है, पार्टिकल जब आपका मोशन पे है, पार्टिकल जब आपका मोशन पे है तो उसके साथ उसका एक सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर भी है, उसके साथ आपका एक सिग्निफिकेंट वेव कैरेक्टर भी है, या हम कह सकते उसके साथ आपका एक ग्रुप ऑफ वेव एसोसिएटेड है, ग्रुप ऑफ वेव्स आपके एसोसिएटेड है उस पार्टिकल के साथ जो आपका पार्टिकल मोशन पे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इस तरीके से कोई वेव है, ठीक है, ऐसे कुछ आपके पास वेव है, तो उस पार्टिकल के साथ आपके पास एक जो वेव यहाँ पर एसोसिएटेड है वो आपकी वेव पैकेट के फॉर्म पर है, ये हम बोलेंगे ग्रुप ऑफ वेव्स के फॉर्म पर है। तो जब आपकी ग्रुप ऑफ वेव्स के फॉर्म पर होगा, पार्टिकल आपका ग्रुप ऑफ वेव्स के फॉर्म पर है, तो ऐसे केस में जो पार्टिकल की पोजिशन होगी, पार्टिकल की पोजिशन फाइंड आउट करना उस वेव पैकेट में आपका सर्टिनिटी के साथ पॉसिबल नहीं है। हम सर्टिनिटी के साथ उस पार्टिकल की पोजिशन यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो आपकी ये है। दूसरा चीज़ क्या है, ये जो आपके पास वेव पैकेट है, इस तरीके से जो आपके पास ये वेव पैकेट है, इसमें आपको वेलोसिटी स्प्रेड देखने को मिलता है। जब आपका पार्टिकल मूव कर रहा है और उसके साथ आपका एक वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड है, तो जो आपकी वेव यहाँ पर फॉर्म हो रही है उसमें आपको एक वेलोसिटी स्प्रेड देखने को मिल रहा है। स्पेस में आपको एक वेलोसिटी स्प्रेड देखने को मिलेगा, तो उसमें आपका पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा, या हम बोलेंगे पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, उसको भी सर्टिनिटी के साथ फाइंड आउट करना आपका पॉसिबल नहीं है। अगर हम पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे तो आपको मोमेंटम पे अनसर्टिनिटी दिखेगी, अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको पोजीशन पे अनसर्टिनिटी दिखेगी। तो हम एक साथ एक ही समय पर हम पार्टिकल का पोजीशन और पार्टिकल का मोमेंटम या वेलोसिटी हम एक ही साथ एक ही समय पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। यह आपका हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल कहता है। न्यूटन फिजिक्स में हम कर सकते थे, उसमें तो आपके पार्टिकल्स बड़े बड़े साइज के होते थे, तो वहां पर हम पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका हम साइमल्टेनियसली पोजिशन वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल का ड्यूअल नेचर है, पार्टिकल आपका वेव नेचर भी शो कर रहा है और पार्टिकल नेचर भी शो कर रहा है। तो पार्टिकल का जब आपका वेव नेचर है तो उसके साथ आपकी ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड है, एक वेव पैकेट आपका एसोसिएटेड है, और वेव पैकेट जब आपका एसोसिएटेड है तो वेव में आपका वेलोसिटी स्प्रेड होता है, और उस वेलोसिटी स्प्रेड में आपका पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं होता। एक साथ एक समय पर हम यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको वेलोसिटी पे अनसर्टिनिटी दिखेगी, अगर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करने जाएंगे तो आपको पोजीशन पे अनसर्टिनिटी यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, तो यहाँ पर हिजनबर्ग ने 1924 पे, तो यहाँ पर डी ब्रोगली हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था, डी ब्रोगली ने, लेकिन 1927 पे हिजनबर्ग ने अपना एक अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर दिया था। अभी उसको हम स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे और जो फिजिकल लिमिट दी थी उस अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की, वो भी यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, कि हम साइमल्टेनियसली किसी भी मूविंग पार्टिकल का पोजिशन और उसका मोमेंटम हम साइमल्टेनियसली फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके स्टेटमेंट पर यहाँ पर हम जाते, स्टेटमेंट क्या कहता है आपका हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल का, लिखा है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन प्रिसाइजली बोथ द पोजिशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल मूविंग पार्टिकल। कोई भी आपका स्मॉल मूविंग पार्टिकल है, या इसको कह सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का जो आपका मोशन पे जो मूव कर रहा है उसका हम प्रिसाइजली
पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली डिटरमाइन नहीं कर सकते. साइमल्टेनियसली, ये वर्ड भी आप यूज करना, साइमल्टेनियसली हम उस मूविंग पार्टिकल का, उस स्मॉल मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम हम फाइंड आउट नहीं कर सकते. ठीक है, मैथमेटिकली हम लिखना चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें मैथमेटिकली लिखना है तो हम लिखते हैं यहाँ पर अनसर्टिनिटी इन द पोजीशन, जिसे हम डेल्टा एक्स से यहाँ पर शो करते हैं. डेल्टा एक्स आपका रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन पे अनसर्टिनिटी, और डेल्टा पी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है अनसर्टिनिटी इन द मोमेंटम. इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, वेर एच इज अ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट हैविंग द वैल्यू 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड अपॉन 4 times π. ठीक है, किसी किसी बुक में आपको ये एच अपॉन 2π भी दिखेगा, ये भी करेक्ट है, लेकिन कॉमनली आपका यहाँ पर यूज होता है एच अपॉन 4π. अगर कहीं आपको एच अपॉन 2π दिख रहा है तो वो भी आपका करेक्ट है. ठीक है, तो मैथमेटिकली हम कैसे दिखाते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को? डेल्टा एक्स चेंज इन पोजिशन इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4π या एच अपॉन 2π. ठीक हो गया, तो यहां पर हम कहते हैं कि जो आपका अनसर्टिनिटी है पोजिशन पे और अनसर्टिनिटी है जो आपके मोमेंटम पे, वो आपके प्लैंक्स कॉन्स्टेंट के ऑर्डर के इक्वल होती है अप्रॉक्सीमेटली. तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू इन ऑर्डर ऑफ प्लैंक्स कॉन्स्टेंट. ठीक है, जहां पर प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकेंड. ठीक हो गया, तो मैथमेटिकली हम यहां पर हिजनबर्ग को ऐसे बताते हैं. अब यहां पर जो आपके पास ये डेल्टा पी है, देखो मोमेंटम किसके इक्वल होता है? मास टाइम वेलोसिटी के. अब किसी भी मूविंग पार्टिकल का मास तो आपका सेम ही रहेगा, मास होना चेंज करेगा, तो मास तो आपका ऐसे ही रहेगा, वेलोसिटी में आपको चेंज देखने को मिलेगा, अनसर्टिनिटी आपको देखने को मिलेगी. तो यहां पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4π. तो क्या बन गया? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4π m. ये आपका दूसरा रिलेशन है जो इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो सकता है. तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? m आपका किसमें आ गया? डिनोमिनेटर पे आ गया. यहां पर देखो, ये जो आपका m है, ये जितना कम होगा, m मतलब मास, जो आपका पार्टिकल का मास है, जितना कम होगा उतना आपका जो अनसर्टिनिटी होगा वो ज्यादा होगा, उतना अनसर्टिनिटी आपका ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनका मास बहुत ही कम रहता है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये सब आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिनका मास बहुत ही कम है, तो उसके लिए आपका अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल मोर प्रोनाउंस्ड है. मतलब उसमें आपको अनसर्टिनिटी और ज़्यादा देखने को मिलेगी जिसका मास कम है. हैवी मासेस के लिए, हैवी पार्टिकल्स के लिए तो आपके, हम न्यूटन फिजिक्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ से हम न्यूटन लॉ से हम हैवी पार्टिकल्स की बात करते हैं, वहाँ पर हम निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली पोजिशन और मोमेंटम. लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, उसके लिए हम बात करेंगे कि जो आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स है, उनका मास जितना कम होगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स का, उतना आपका अनसर्टिनिटी ज़्यादा प्रोनाउंस होगी. तो सिंपल हम ये कहें, जितना मास कम उतना अनसर्टिनिटी आपकी ज़्यादा है. ठीक हो गया, तो ये दो आपके दो मैथमेटिकल रिलेशन है अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल के, जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है. नेक्स्ट आपका एक और चीज़ आती है इसमें, जिसे हम बोलते हैं हिजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉन. तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी मूविंग पार्टिकल का, जो भी पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, उसका साइमल्टेनियसली पोजीशन बताना और वेलोसिटी बताना ये आपका पॉसिबल नहीं है. ये आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर कहता था. तो जब भी हम यहाँ पर एक मूविंग पार्टिकल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर स्मॉल मूविंग पार्टिकल की या कह सकते हो सब एटॉमिक पार्टिकल की या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, इन पार्टिकल्स की यहां पर हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या आपका एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, एक आपका स्मॉल मूविंग पार्टिकल है. तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जब आपका मूव कर रहा है तो उसका साइमल्टेनियसली पोजिशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करना आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी आपका सब एटॉमिक पार्टिकल है. ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर एटम पे देखें. देखो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपका पहला ऑर्बिट हो गया, ये आपका दूसरा ऑर्बिट हो गया. तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है. अब बोर के अकॉर्डिंग क्या था, बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस.
ये बोर्स ने कहा था, ये आपने पढ़ा हुआ है बोर्स के पोस्टुलेट। वैसे बोर्स तो आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बोर्स एटॉमिक मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल पे आपका एक पोस्टुलेट था बोर्स डेफिनेट ऑर्बिट करके, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसा कहा था। और आपके एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी, ये भी बोला था कि एनर्जी आपकी रेडिएट नहीं करेगी, वो फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ आपका यहाँ पर बोस ने बोला था। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से क्या बोला है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल जो आपका मूव कर रहा है उसका आपका पोजिशन और वेलोसिटी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन बोस ने तो क्या कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड ऑर्बिट है, तो ऐसे केस में तो इसका डेफिनेट रेडियस यहाँ पर होगा न्यूक्लियस से, तो हम इलेक्ट्रॉन की पोजिशन और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर डेफिनेट आपके ऑर्बिट में वो है तो। बोर्स के अकॉर्डिंग तो आपका ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका डेफिनेट ऑर्बिट पे यहाँ पर होगा तो उसका हम वेलोसिटी और आपका जो पोजीशन है उसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपका जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये जो आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, ये आपका मेजर ड्रॉबैक था बोर्स का, ये आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल का मेजर ड्रॉबैक था। क्योंकि बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही मूव करेंगे, लेकिन जब हिजनबर्ग ने ये बोला कि हम इलेक्ट्रॉन का साइमल्टेनियसली पोजिशन और वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का वेलोसिटी और आपका जो ये पोजिशन है वो हम साइमल्टेनियसली नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे, तो बोर्स का यहाँ पर क्या आ गया, एक लिमिटेशन आ गया। ठीक है, तो हिजनबर्ग ने क्या सजेस्ट किया कि आपके इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन आपके किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में यहाँ पर मूव नहीं करते, बल्कि इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के अराउंड जो भी स्पेस है, न्यूक्लियस के अराउंड जो भी आपके स्पेस है एक एटम पे, जो आपका न्यूक्लियस है उसके अराउंड जो भी स्पेस है वहां पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉन आपके पूरे स्पेस पे ही रिवॉल्व कर रहे, और ज्यादातर वो आपके जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के क्लोज वॉल्यूम पे रहते हैं। आपके जो न्यूक्लियस है उसका जो वॉल्यूम है, क्लोज वॉल्यूम या उसके विसिनिटी है, वहां पर ज्यादातर आपके इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इन केस ऑफ जो आपके दूर दूर यहाँ पर स्पेस के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिजनबर्ग ने क्या कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो आपके किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं है, वो आपके यहाँ पर स्पेस में मूव कर रहे, किसी भी आपके जगह वहाँ पर हो सकते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन ज़्यादातर आपके वहाँ पर न्यूक्लियस के एक स्मॉल वॉल्यूम पे या न्यूक्लियस की विसिनिटी पे ही आपके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है। जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की फाइंड करने की वो आपकी ज़्यादा है, जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट करने की वो न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस की क्लोज विसिनिटी पे आपकी ज़्यादा है। ये यहाँ पर हिजनबर्ग ने सजेस्ट किया था, और यहीं से आपका ऑर्बिटल का केस आता है, यहीं से आपका ऑर्बिटल कंसेप्ट आता है जो आगे अभी पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे। ये ऑर्बिटल का जो आपका पूरा सिनेरियो है ये हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे यहाँ पर स्टडी करेंगे, यहीं से आपका ऑर्बिटल कंसेप्ट आता है। कि हिजनबर्ग ने ये कहा था कि आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहे, वो आपके स्पेस में पूरे फैले हुए हैं, एक एटम पे जो आपका स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एक स्पेस में यहाँ पर मूव कर रहे हैं, और ज़्यादातर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, मैक्सिमम जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके एक विसिनिटी पे, न्यूक्लियस के अराउंड जो आपकी विसिनिटी है वहाँ पर आपके है, और वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की होने की। ये यहाँ पर हिजनबर्ग ने सजेस्ट किया था 1927 पे। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखो, हमने हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि साइमल्टेनियसली हम किसी भी इलेक्ट्रॉन का या किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का हम पोजीशन और उसका मोमेंटम हम एक साथ नहीं बता पाएंगे, ये हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पता है। अगर हम पोजीशन फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमें मोमेंटम पे अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा, अगर हम मोमेंटम फाइंड आउट करने जाएंगे तो हमें पोजीशन पे अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगा। तो साइमल्टेनियसली हम पोजीशन मोमेंटम नहीं बता पाएंगे किसी भी इलेक्ट्रॉन का, किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल का। ठीक है, और यही आपका क्या था, ये आपका मेजर ड्रॉबैक था किसका, बोर्स एटॉमिक मॉडल का। ये अभी हमने पीछे पढ़ा कि आपका जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल का मेजर ड्रॉबैक था। ठीक है, बोर्स के अकॉर्डिंग क्या था, बोर्स के अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है और एक फिक्स्ड डिस्टेंस में है फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो एटम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उससे आपका एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे और इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे केस पे इसका जो पोजिशन है और इसका मोमेंटम है वो हम इजिली फाइंड आउट कर पाते। लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन का पोजिशन मोमेंटम साथ में नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर ही आपका ड्रॉबैक था किसका, बोर्स का। ठीक है, हिजनबर्ग
हिजनबर्ग ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन आपका मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो आपके एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं है, वो आपका न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है पूरे एटम पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपके न्यूक्लियस के एक क्लोज विसिनिटी पे है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूक्लियस के क्लोज विसिनिटी पे है, एक स्मॉल वॉल्यूम पे है न्यूक्लियस के अराउंड, एक क्लोज विसिनिटी पे है, और वहाँ पर आपका ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लाई कर रहा है, प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन होने की। यह आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने यहाँ पर कहा था, और वो आपका एक फिक्स डिस्टेंस पे नहीं है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन, ये आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग था। ठीक है, तो यहाँ से आपके तीन एस्पेक्ट और इंक्लूड हुए जो आपके नए एटॉमिक मॉडल पे आए, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। और इन्होंने यहाँ पर तीन एस्पेक्ट को इंक्लूड किया, जिसमें आपका पहला एस्पेक्ट क्या था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन का आपका वेव नेचर है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होगा तभी आपका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे नहीं है, वो आपका न्यूक्लियस के सराउंडिंग पे है, एक क्लोज विसिनिटी पे है, तो यहाँ पर आपका वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एस्पेक्ट कंसिडर किया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम ने। ठीक है, तो पहला क्या था, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। दूसरा क्या था, द आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी, आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, इसको भी इंक्लूड किया, अनसर्टेनिटी जो आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजिशन पे हमें दिख रही है एटम के, तो ये आइडिया भी आपका इंक्लूड किया गया। तीसरा था आपका जो फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स है, जो बोर्स ने यहाँ पर किया था, जो बोर्स ने यहाँ पर बोला था अपने पोस्टुलेट में फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स, इसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया। तो ये तीन एस्पेक्ट्स थे जो आपके नए एटॉमिक मॉडल पे इंक्लूड किए गए, जिसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम कहते हैं, या इसको आप वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, तो ये तीन एस्पेक्ट आपके इंक्लूड किए गए, पहला वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर, द आइडिया ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और तीसरा आपका फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स। ठीक, तो यहीं से आपका जो कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल का, वो आपके यहाँ से स्टार्ट होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास, वो आता है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1925 में श्रोडिंगर ने, डायरेक्ट ने, और आपका पीछे जो हिजनबर्ग है, इन्होंने यहाँ पर एक यहाँ पर इक्वेशन दी, जिसमें उन्होंने क्या बताया, मैकेनिक्स बताई पार्टिकल वेव्स की, एक इक्वेशन के फॉर्म पे उन्होंने पार्टिकल वेव्स की यहाँ पर मैकेनिक्स को डिस्क्राइब किया। ठीक है, और वो इक्वेशन क्या थी श्रोडिंगर की, ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो डेरिवेशन है वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, डेरिवेशन आप फिफ्थ सेमेस्टर पे पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, या क्वांटम मैकेनिक्स अगर आपकी फिजिक्स में, तो वहाँ पर आप देखोगे, लेकिन यहाँ पर बस आपके जो मेन इक्वेशन है वो आपका इंपॉर्टेंट है, उसको आपको समझना है, और उसके जो टर्म्स उसमें इंक्लूडेड है वो टर्म्स का मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या था श्रोडिंगर ने जो अपनी इक्वेशन यहाँ पर दी थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। ये आपकी यहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, और ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो, जहाँ पर एक्स वाई जेड आपके क्या है, एक्स वाई और जेड ये आपके क्या है, पोजिशन कोऑर्डिनेट है, पोजिशन कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और इसको सबको हमने क्या कर रखा, पार्शली डिफरेंशिएट कर रखा है। तो यहाँ पर जो टर्म्स आपकी इंक्लूड हो रही है सब में, इसको हम अच्छे से देख लेते हैं। देखो जो साई है, इसको हम साई बोलते हैं, पी एस आई करके, पी आपका साइलेंट होता है, साई इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ये आपका वेव फंक्शन है, ये आपका यहाँ पर वेव फंक्शन है जो आपका एम्पलीट्यूड बताएगा वेव का, ये आपका एम्पलीट्यूड बताएगा वेव का। ठीक है, सेकेंड है आपका यहाँ पर एच, एच हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट होता है आपका, इसकी वैल्यू भी हमें पता है 6.626 × 10⁻²³ जूल सेकेंड। फिर क्या आपके पास ई, देखो क्या है ई, है आपका टोटल परमिसिबल एनर्जी, टोटल परमिसेबल एनर्जी
विच एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव, इलेक्ट्रॉन की टोटल परमिसेबल एनर्जी है ई, ठीक है। वी क्या आपके पास, ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपका टोटल पोटेंशियल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का, और किसके इक्वल होता है आपका जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ पर जेड आपके पास एटॉमिक नंबर है। देन क्या आपके पास यहाँ पर साई, हमने बता दिया वेव फंक्शन है। फिर आपके पास यहाँ पर डेल्टा, डेल्टा आपका इन्फाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज है, इन्फाइनाइट सिमल स्मॉल चेंज है, ठीक है। तो ये सब के सब टर्म्स आपको पता होने चाहिए। ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट में या लॉन्ग पे, कि पहले आपको श्रॉन्डिंजर की वेव इक्वेशन लिखनी है, फिर आपका जो टर्म्स उसमें इंक्लूड हो रखी है उस वेव इक्वेशन पे उनका मीनिंग क्या है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन एम आपके पास क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो एम आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 9.1 × 10⁻³¹ kg, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और एच आपके पास प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स वाई जेड आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है, और साई आपके पास वेव फंक्शन है जो आपका वेव का एम्पलीट्यूड यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर चीज़ें हैं। तो इसके आपका इक्वेशन क्या है मेन, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू जीरो। इसका आपका पूरा डेरिवेशन होता है, जो अभी आपको देखने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर में बीएससी 6M पे आप इसको पढ़ोगे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वहाँ पर डेरिवेशन हमने कर रखा, इस चैनल पे आपको मिल जाएगा डेरिवेशन, लेकिन अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है। बस आपको यहाँ पर मेन इक्वेशन देखना है, इसमें जो आपके टर्म्स यूज हो रखे हैं उनका मीनिंग क्या है, बस वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। देन इसके बाद देखो यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन है, इसको हम साई के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे साई के लिए, अगर इसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मैनी सॉल्यूशंस वी विल गेट फ्रॉम फॉर दिस साई फंक्शन, ठीक है। तो इसको यहाँ पर मीनिंगफुल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमने जो सॉल्यूशन को रिप्लेस कर रखा, तीन आपके जो मेन नंबर्स होते हैं एन एल और एम, जिसको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं, तो इनसे हमने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर रखा एन एल और एम। एन जहाँ पर आपके पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एल आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, और एम आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। तो इससे हम इसको रिप्लेस करते, इससे हमने इसको इंट्रोड्यूस कर रखा, जो आपके साई में, साई के लिए जो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे उसको हमने एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन बनाने के लिए एन एल और एम से इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिसको हम बोलेंगे क्वांटम नंबर्स। और इसको आगे डिटेल पे अभी पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स को, कि क्वांटम नंबर्स आपके क्या होते, चार टाइप के क्वांटम नंबर्स आपके होते एन एल एम और आपका जो चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर्स, ठीक है। तो श्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन क्लियर हो गया, ये आपका श्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन होता है, ये पूरा आपका श्रॉन्डिंजर वेव इक्वेशन है, इसमें जो टर्म्स यूज हो रखे हैं वो सब हमने यहाँ पर लिख रखे, ई आपके पास टोटल एनर्जी है, वी आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है टोटल, डेल्टा आपके पास इन्फिनाइट सिमल स्मॉल चेंज है, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, साई है वेव फंक्शन, वेव फंक्शन को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, साई साई स्क्वायर के बारे में, और एच आपके पास प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, कुछ आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के, इसको भी हमें समझना है। सबसे पहले आपके पास है द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज क्वांटाइज्ड, तो पहला जो आपका फीचर है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम का जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है एटम्स में वो क्वांटाइज्ड है, दैट इज इट कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यूज अंडर सर्टेन कंडीशंस। किसी भी एटम पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड रहेगी, मतलब उसकी एक सर्टेन डेफिनेट वैल्यू होगी अंडर सर्टेन कंडीशंस। सेकेंड है इट कंसिडर्स द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे हम इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर को यहाँ पर इसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका एक ऑर्बिटल में है, एक ऑर्बिट में ना होने के कारण आपका एक ऑर्बिटल में, जहाँ पर उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन की होने की, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपका इलेक्ट्रॉन का एक वेव नेचर है, तो जो आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है वो आपका वेव लाइक प्रॉपर्टीज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इट एम्फसाइजेस दैट द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर बी नोन एक्यूरेटली, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आपको एम्फसाइज करता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है, इलेक्ट्रॉन का किस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, किस पाथ में मूव कर रहा है किसी भी एटम पे, वो हम एक्यूरेटली बता नहीं पाएंगे, मतलब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के फोकस को रखते हुए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फोकस में रखते हुए वो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पर एग्जैक्ट पाथ यहाँ पर बता नहीं पाएंगे, मतलब उसकी पोजिशन को हम यहाँ पर बता नहीं पाएंगे, इसका मतलब है कि हम उसकी पोजिशन को यहाँ पर बता नहीं पाएंगे, ठीक है। फोर्थ है एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज डिस्क्राइब्ड बाय अ वेव फंक्शन साई, हम एक एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव फंक्शन साई से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, साई आपका इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, ईच एटॉमिक ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स, और हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल
हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे। ये अभी हम पॉलिस आगे पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो उस पर भी हम स्टडी करेंगे कि हम आपका एक एटॉमिक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आपके नहीं होंगे, ठीक है। अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम की जिसमें दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस ऑर्बिटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर आपकी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम हैं तो इलेक्ट्रॉन्स आपके इंक्रीजिंग एनर्जी के आधार पर आपके यहाँ पर फिल किए जाएंगे। ये आगे जब हम हुंड्स रूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी आप मेन फीचर्स देख लो यहाँ कर इसके, वैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है आगे हुंड्स रूल और ऑफ द प्रिंसिपल को समझने से पहले या पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को समझने से पहले ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। सिक्स्थ, आपके पास द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन दैट इज साई स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे होने की किसी भी एटम पे वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो है आपका द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन के, मतलब साई स्क्वायर के। मतलब हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर। ये मॉडुलस इसलिए लगाए क्योंकि आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिले, तो इसलिए आपका यहाँ पर मॉडुलस लगा रखा है, ठीक है। तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है। और इस साई स्क्वायर को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो आपका बताएगा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी किसी भी रीजन पे होने की अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये मेन छह पोस्टुलेट है आपके क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान पे रखने हैं। नेक्स्ट आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर हमने अभी तक जो बात करी इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन को हम वेव की तरह यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, यहाँ पर एक वेव है किसी भी एटम पे। तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका एक वेव है तो वेव का किसी भी पॉइंट में क्या होगा, पोजिशन होगा, और उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा वेव का। वेव का क्या होगा, पोजिशन होगा और उसका एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड है क्या, ये क्या आपके पास वेव फंक्शन है जिसे हम साई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो साई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। साई आपका इलेक्ट्रॉन वेव का यहाँ पर एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो साई आपका यहाँ पर किसका फंक्शन है, स्पेस कोऑर्डिनेट का। स्पेस कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड का और टाइम टी का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साई इक्वल्स टू साइज अ फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी, मतलब एक्स वाई जेड ये आपके स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हो गए और टाइम टी हो गया। अगर हम बात करें फॉर एनी इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए साई किसके इक्वल होगा, साई एक्स वाई जेड के इक्वल होगा, ठीक है। और जो साई है जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है और जो उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें आपका साई डिपेंड कर रहा है। जो साई वेव फंक्शन है जो आपका इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पर जो एनर्जी वेव है, मतलब जो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव की जो एनर्जी है, इस तरीके से हमें बोलना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन वेव की जो एनर्जी है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव का जो एम्पलीट्यूड है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन वेव की एनर्जी। तो हम कैसे लिख रहे, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, मतलब साई स्क्वायर के। साई क्या है आपका, एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रॉन वेव का, साई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी इलेक्ट्रॉन वेव की एनर्जी। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि साई का सिग्निफिकेंस ना होकर के साई स्क्वायर का क्या है, फिजिकल इंपॉर्टेंस है या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, इसका है साई स्क्वायर का है। तो साई स्क्वायर आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साई स्क्वायर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पर साई स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूक्लियस इन ए एटम, तो हम बोलेंगे कि साई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। क्लियर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो अब बात आती है आपकी प्रोबेबिलिटी पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर हम एटॉमिक ऑर्बिटल
के बारे में आप समझेंगे और ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखो ऑर्बिट क्या होता है आपका और ऑर्बिटल क्या होता है। देखो ऑर्बिट की हम जब बात करेंगे तो अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका यहाँ पर एटम हमने बना रखा है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है एक डेफिनेट पाथ पे, तो इस डेफिनेट पाथ को हम क्या बोल रहे हैं, एक ऑर्बिट है। इस डेफिनेट पाथ को जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ये क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, ये आपका ऑर्बिट है और एक फिक्स डिस्टेंस में फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन आपका एक फिक्स्ड डिस्टेंस में फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, जिसमें हम जो आपके एनर्जी स्टेट्स है जिसको हम 2n² से दिखाते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करके आपको 2 4 मिलेगा, 2 मिलेगा, फिर आपको 4 मिलेगा, इस तरीके से आपको मिलते रहेंगे। जैसे n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 पुट करोगे 8 मिलेगा, तो इस तरीके से आपका चलते रहेगा। n इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल्स टू 2 के लिए दूसरा ऑर्बिट है, तो ऐसे आपको चलते रहेगा 2n² रूल से, ठीक है। तो ऑर्बिट क्या डिनोट कर रहा है, ये आपको एक डेफिनेट पाथ बता रहा है इलेक्ट्रॉन का जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और एक फिक्स डिस्टेंस में फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये न्यूक्लियस है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, एक फिक्स डिस्टेंस पे है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल आपका क्या है, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है यहाँ पर, तो ऑर्बिटल क्या है कि यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल बेसिकली आपका रीजन है जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उसे हम बोलेंगे कि ऑर्बिटल है। जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम बोलते हैं, उस रीजन को हम बोलते हैं कि वो आपका ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर अगर आपका ये न्यूक्लियस है तो इसके सराउंडिंग पे जो ये आपका रीजन है, स्पेस पे जो आपका ये रीजन है यहाँ पर, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर तो फिक्स्ड था कि आपका इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन ऑर्बिटल में क्या है आपका कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहाँ पर कहीं पर भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा है इस रीजन पर, तो इस रीजन को हम बोल रहे हैं ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? तो एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होगी, क्या बोलेंगे, इट इज़ अ रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन हम कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं, इट इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज अ रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is maximum, जिसमें इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी फाइंड होने की या प्रोबेबिलिटी फाइंड होने की मैक्सिमम है, तो वो रीजन है, ये आपका रीजन है पूरा यहाँ पर, इस रीजन को हम बोल रहे हैं कि आपका ऑर्बिटल है, ठीक है। क्लियर हो गया? तो खाली आपका इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे रिवॉल्व नहीं कर रहा है, वो आपकी न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका सराउंडिंग है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, और ज़्यादातर टाइम आपका वो एक क्लोज विसिनिटी पे न्यूक्लियस के अराउंड, एक स्मॉल वॉल्यूम पे जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर फाइंड होने की। तो अगर यहाँ पर हम बेसिक डिफरेंस समझे ऑर्बिटल ऑर्बिटल पे, तो उसका हमने बेसिक डिफरेंस हमने यहाँ पर बना रखा है इस तरीके से, तो यहाँ से हमें ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर देखो, एन ऑर्बिट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स। ऑर्बिट क्या है? एक वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व कर रहा है। दीज आर नंबर्ड एज 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन और लेबल्ड एज KL, M और N। ये हमने बोर्स एटॉमिक मॉडल पे देखा था कि ऑर्बिट क्या आपका एक सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं आपके फिक्स्ड ऑर्बिट में और एक फिक्स डिस्टेंस में फ्रॉम द न्यूक्लियस, और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1, 2, 3, 4 करके, जहाँ पर एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ये आपका ऑर्बिट यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। ऑर्बिटल क्या है? An orbital is the region of space around the nucleus where the probability of finding the electron is maximum. Orbital क्या है? Orbital आपका nucleus के around जो space है, nucleus के around जो space है उसमें जो आपको एक region consider कर रखा है, उस region को हम बोल रहे हैं orbital है, जिसमें आपके electron की होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, तो उस region को हम बोल रहे हैं orbital है। It may be spherical, वो आपका spherical हो सकता है या dumbbell हो सकता है shape का। अभी जब आगे हम SPDF का shape देखेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपका जो ऑर्बिटल का शेप हो सकता है वो स्पेरिकल भी हो सकता है, क्योंकि तीन टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। तो स्पेरिकल शेप का भी हो सकता है या डम्बल शेप का भी आपका यहाँ पर ऑर्बिटल हो सकता है। इसमें आपकी इलेक्ट्रॉन्स की होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकेंड क्या है? इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन वन प्लेन। ऑर्बिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट न्यूक्लियस के अराउंड एक ही प्लेन पे, अराउंड वन प्लेन ओनली। लेकिन ऑर्बिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिटल का यहाँ पर थ्री डायमेंशनल मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का इसमें अराउंड एन न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल के केस में इलेक्ट्रॉन का थ्री डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है।
थर्ड में क्या है, एन ऑर्बिट मीन्स दैट पोजिशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन नोन विथ सर्टिनिटी। ऑर्बिट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर आपके पास न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पर है, तो इलेक्ट्रॉन अगर आपका किसी एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन का हम यहाँ पर मोमेंटम और इसका पोजिशन हम दोनों यहाँ पर पता लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, तो यहाँ पर हम इसका मोमेंटम और पोजिशन यहाँ पर फाइंड आउट सर्टिनिटी के साथ यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन ऑर्बिटल केस में क्या है, एन ऑर्बिटल डस नॉट रिप्रेजेंट द पोजिशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विद कंप्लीट सर्टिनिटी। ऑर्बिटल केस में हम पोजिशन और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का सर्टिनिटी के साथ यहाँ पर नहीं बता पाएंगे, ठीक है। थर्ड क्या है, इट कैन अकोमोडेट एट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स वेयर एन इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। यहाँ पर आपका 2n² आएगा, इट कैन अकोमोडेट 2n² एट द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आपके 2n² ही रहेंगे जहाँ पर n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है। मतलब n आपके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट, n क्या है, n इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट है, n इक्वल टू 2 है तो दूसरा ऑर्बिट है, n इक्वल टू 3 है तो तीसरा ऑर्बिट है, 4 है तो फोर्थ ऑर्बिट है। तो अगर आपके n इक्वल टू 1 है तो उसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, n इक्वल टू अगर आपके पास 2 है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 और 2² मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इस तरीके से आपको चलते रहेगा। तो इट कैन अकोमोडेट ओनली 2n² इलेक्ट्रॉन्स, इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वो अकोमोडेट कर सकता है जहाँ पर n आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पर है, ठीक है। फोर्थ क्या है, एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ पेयर्ड स्पिन। ऑर्बिटल आपका एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अकोमोडेट कर सकता है विथ अ पेयर्ड स्पिन, मतलब अपोजिट स्पिन होना यहाँ पर चाहिए, ठीक है। तो ये 4 डिफरेंस है, अगर पूछा जाए ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या देखने वाले, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्वांटम नंबर्स के बारे में, जिसमें आपके 4 टाइप से क्वांटम नंबर आते हैं, उसको हमें डिटेल पे स्टडी करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर साई स्क्वायर और आपके शेप्स हो गए ऑर्बिटल्स के, या साई के बारे में, वेव फंक्शन के बारे में हो गए, और आपके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गए, उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करना है, ठीक हो गया। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स अभी बच रखे, हुंस रूल हो गया, ऑफ बाउ प्रिंसिपल हो गया, ऑफ बाउ एनर्जी डायग्राम हो गया, और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। तो 5-6 टॉपिक्स आपके टोटल बचे अभी और एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो वो अभी हम आगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दो तरीके का मोशन करता है। पहला तो यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियस के अराउंड जो आपका रिवॉल्व कर रहा है, ये तो आपका न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है कुछ इस तरीके से, ये तो हमें पता है। और एक और यहाँ पर अपने वो एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आपका क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड रोटेशन कर रहा है। और एक जो आपका इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड जो रोटेट कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो आपके एक्सिस के अराउंड रोटेशन है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपके एक्सिस के अराउंड रोटेशन है, ये आपका क्लॉकवाइज सेंस में भी हो सकता है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, या आपका यहाँ पर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी हो सकता है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। तो जो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, उसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक तो आपका क्लॉकवाइज सेंस में हो रहा है, और एक आपका एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर हो रहा है। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपके स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती है, एक होता है आपका प्लस हाफ और दूसरा होता है आपका माइनस हाफ। प्लस हाफ होता है आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, और माइनस हाफ होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो यहां से अगर हम समझे, तो ये आपका प्लस हाफ होगा क्लॉकवाइज के लिए और माइनस हाफ होगा एंटी क्लॉकवाइज के लिए। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की आपकी स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। प्लस हाफ को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम अपवर्ड इस तरीके से शो करेंगे अपवर्ड एरो से, और जो आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा उसको हम डाउनवर्ड एरो से यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। ये क्लॉकवाइज के लिए हो गया, और ये क्या हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए हो गया। अब हमें पता है किसी भी ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। किसी भी ऑर्बिटल पे आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, आपके पेयर्ड होने चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होने चाहिए, और दोनों का जो स्पिन है, दोनों का स्पिन आपका अपोजिट होना चाहिए। तो ये दोनों का स्पिन जो है आपका अपोजिट है, एक आपका क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या आपका एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों का स्पिन क्या आपका यहाँ पर अपोजिट स्पिन है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों का जो आपका स्पिन है वो आपका अपोजिट यहाँ पर होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये थे आपके 4 क्वांटम नंबर। पहले हमने पढ़ा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर हमने देखा आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिर हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करी, फिर हमने स्पिन क्वांटम नंबर यहाँ पर देखा। तो ये जो आपकी n, l और m है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया, ये आपका स्पेटियल अरेंजमेंट बताते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम पे। ये आपका स्पेटियल अरेंजमेंट आपका बता रहे हैं।
और जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है ये आपका बताता है स्पिन ओरिएंटेशन, ये आपका स्पिन ओरिएंटेशन बताता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपके एन एल एम और एस है, ये जो आपके चार क्वांटम नंबर है, ये किसी भी इलेक्ट्रॉन का सिग्नेचर की तरफ काम करते हैं। जैसे हर एक पर्सन का सिग्नेचर यूनिक होता है, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक है जो आपकी यूनिक रहेगी। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी शेल पे इलेक्ट्रॉन के लिए जो आपके चार क्वांटम नंबर होंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपकी यूनिक होगी हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो एक तरीके का सिग्नेचर का आपका की तरफ यहाँ पर काम करता है, जो आपकी चारों वैल्यूज होगी यहाँ पर, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ठीक है। अब अगर हम समराइज करें इन चारों क्वांटम नंबर को, तो हम कैसे करेंगे? तो देखो, मैंने यहाँ पर आपकी टेबल बना रखी है जिससे आपके जो चारों क्वांटम नंबर है वो आपके यहाँ पर समराइज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर आपको टॉप में दिख रहा है, ये आपका जो एन आपको दिख रहा है, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये आपका डेजिग्नेशन है जो हम के एल एम एन से यहाँ पर शो करेंगे। एल है आपका एजिमुथल क्वांटम नंबर, सिंबल आपका बताएगा एस पी डी एफ कौन सा ऑर्बिटल है। एम है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एस है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किसी भी सबशेल पे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे वो आपका ये बताएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे सबशेल पे वो हम यहाँ से बताएंगे, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उस शेल पे वो हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है। तो अगर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन है, एन इक्वल्स टू वन है, फर्स्ट नंबर है शेल का, तो डेजिग्नेशन क्या होगा? के होगा, हमें पता है। आपकी एल की वैल्यू क्या रहेगी एजीमुथल क्वांटम नंबर की? ये आपकी जीरो होगी, ठीक है। सिंबल क्या होगा? एल की वैल्यू जीरो है तो सिंबल क्या होगा? एस होगा, मतलब एस ऑर्बिटल है, या एस सबशेल कह सकते हो, ठीक है। एम क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो एम की वैल्यू हम कैसे बताएंगे? एल की वैल्यू को देखकर। देखो, एल की वैल्यू आपकी जीरो है तो एम की वैल्यू क्या होगी आपकी? एम की वैल्यू भी जीरो होगी, ठीक है। एस क्या आपके पास? स्पिन क्वांटम नंबर, तो हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज होती है, एक होता है प्लस हाफ और दूसरा क्या होता है आपका माइनस हाफ। तो इस तरीके से यहाँ पर हम शो करेंगे प्लस माइनस हाफ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल किस में? सब शेल पे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एन स्क्वायर होता है, जहां पर एन क्या होता है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एन स्क्वायर है तो वन का स्क्वायर मतलब वन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने रहेंगे आपके? वन रहने वाले। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे? वन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने सब शेल पे, तो उसका फॉर्मूला क्या है? वो हम 2n स्क्वायर से बताते हैं। 2n स्क्वायर से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताएंगे किसी भी सब शेल पे, ठीक है। तो n की वैल्यू है आपकी 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज 2, मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके n इक्वल्स टू 1 वाले शेल पे? 2 होंगे, ठीक है। क्योंकि देखो, एक नंबर ऑफ ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आपके आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे। समझ में आया? देखो, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। डेजिग्नेशन क्या आपका? के है। एल की वैल्यू आपकी जीरो है, जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है। सिंबल होगा आपका एस, क्योंकि एल की वैल्यू आपकी जीरो है। एम क्या आपके पास? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो एल की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू भी क्या होगी? जीरो होगी। एस क्या आपके पास? स्पिन क्वांटम नंबर है, तो प्लस माइनस हाफ होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोला है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल किस में? सबशेल में बोला है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू है 1, तो एन स्क्वायर क्या होगा आपका? 1 ही होगा, ठीक है। मतलब एक ही ऑर्बिटल है आपका, एन इक्वल्स टू 1 पे आपका एक ही ऑर्बिटल है, और हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? मैक्सिमम आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है। तो हमें पता है, या तो आप इसको ऐसे निकालो या तो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपको 2 मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला सिंपल क्या है? 2n स्क्वायर है, तो n की वैल्यू 1 है तो आपका 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है। जब आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, मतलब n इक्वल्स टू 2 है, तो डेजिग्नेशन क्या होगा? L होगा। L की वैल्यू क्या होगी? n इक्वल्स टू 2 है तो 0 और 1। L की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक कम। देखो, n की वैल्यू 2 है तो L की वैल्यू 0 और 1, ये हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा था, ठीक है। सिंबल क्या होगा आपका यहाँ पर? ये होगा आपका S, क्योंकि L की वैल्यू 0 है। L इक्वल्स टू 1 के लिए क्या होगा? P होगा, ठीक है। M क्या होगा? देखो, M तो यहाँ पर 0 है, और L इक्वल्स टू 1 के लिए M की वैल्यू क्या होगी? 3 वैल्यूज आपको मिलेगी। कौन सी मिलेगी? एक मिलेगा आपको 0 मिलेगा, एक मिलेगा प्लस 1, और एक मिलेगा माइनस 1। तो माइनस 1, 0, प्लस 1, ये आपकी M की वैल्यूज यहाँ पर होने वाली है, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज। S की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस हाफ, ये तो हर उसमें आपका रहेगा। यहाँ पर भी आपकी पी ऑर्बिटल में S की वैल्यूज क्या होगी? प्लस माइनस हाफ। अब बोला है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे S में? एक ही होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा।
पी में कितने होंगे, देखो एम की वैल्यूज आपकी कितनी है, तीन है, माइनस वन जीरो और प्लस वन, तो तीन ऑर्बिटल आपके होंगे। कौन से होंगे आपके तीन ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ये तीन ऑर्बिटल्स आपके पी के होंगे, ठीक है। तो अगर आपका एक है ऑर्बिटल तो उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आपके आ सकते हैं। अगर आपका तीन नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपके तीन है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, टू इंटू थ्री सिक्स आ सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके एट। समझ में आया, देखो यहां पर क्या हुआ आपके पास, हमारे पास एन की वैल्यू है टू, डेजिग्नेशन है आपका एल, एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो और वन होगी, क्योंकि एन की वैल्यू टू है तो जीरो और वन होगा। जीरो को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वन को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो एस के लिए क्या होगा आपका, एम की वैल्यू जीरो है, पी के लिए एम की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन जीरो और प्लस वन, ठीक है। ये हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में पढ़ा हुआ है, स्पिन का तो प्लस माइनस हाफ ही रहेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल देखो, अब देखो यहाँ पर आपके एस की वैल्यू जीरो है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका एक ही रहने वाला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका एक ही रहेगा जैसे आपका ऊपर वाले पे था। पी में देखो क्या होगा, यहाँ पर आपके एम की वैल्यू क्या है, देखो माइनस वन है, जीरो है, प्लस वन है, तो तीन आपके यहाँ पर ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से होंगे, पी एक्स पी वाई और पी जेड। तो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तीन ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में आपके मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो एक ऑर्बिटल में कितने होंगे आपके, दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तीन ऑर्बिटल है आपके, मतलब तीन ऑर्बिटल है कुछ इस तरीके से, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक दो तीन चार पाँच और छः, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, छः होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, सिक्स हो गए। अगर हम टोटल की बात करें, अगर हम एन इक्वल्स टू टू पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो गए, छः आपके ये हो गए, दो आपका ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, एट हो गए। इसको आप टू एन स्क्वायर के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने टू एन स्क्वायर आपका लिखा हुआ है, ये मुझे बेसिकली यहाँ पर लास्ट वाले पे लिखना चाहिए, इसको मुझे टू एन स्क्वायर यहाँ पर लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो या तो आप इस फॉर्मूले से निकालो चेक करने के लिए, टू एन स्क्वायर से, एन की वैल्यू टू है तो एन की वैल्यू टू होगी, तो टू इंटू फोर एट हो गया, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, या प्रॉपर इस तरीके से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब है आपका, अगर एन की वैल्यू थ्री है, मतलब तीसरा शेल है, तो इसमें डेजिग्नेशन क्या होगा, एम होगा, के एल एम एन, इस तरीके से हमें पता है। एल है आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या होगी, जीरो होगा, वन होगा और टू होगा, एक कम होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से, तो जीरो वन और टू हो गया। सिंपल क्या होगा, ये एस हो गया, ये पी हो गया और ये आपका डी ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। एम की वैल्यू क्या होगी, एस के लिए जीरो होगा, पी के लिए क्या होगा, देखो पी के लिए आपका एल की वैल्यू वन है तो क्या होगा, माइनस वन जीरो और प्लस वन। एल की वैल्यू टू है, सिंबल है आपका डी, तो कितने ऑर्बिटल्स होंगे, पांच ऑर्बिटल्स आपके होंगे, तो यहां पर प्लस टू है तो क्या होगा, देखो प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन और माइनस टू, यही चीज होगा, प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन और माइनस टू। तो आपके यहां पर एम की पांच वैल्यूज आने वाली है, इसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, टू एल प्लस वन से, एल की वैल्यू है टू तो टू इंटू टू फोर प्लस वन, तो टोटल जो आपकी एम की वैल्यूज होगी वो पांच होगी, ये हम कह सकते हैं पांच ऑर्बिटल आपके पास यहां पर होंगे, ठीक है। और स्पिन की वैल्यू तो प्लस माइनस हाफ ही रहेगी सब में, प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की जो यहां पर बात की करी गई है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका एन स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आपके एक ही रहने वाले ऑर्बिटल, एस है तो एक ही आपका रहेगा, पी है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तीन होंगे, डी है तो कितने होंगे, पांच होंगे। अब डी में आपके पांच ऑर्बिटल तो होते हैं, हमें पता है यहां पर पांच ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। तो जब आपके नंबर ऑफ ऑर्बिटल एक है तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जब आपके तीन ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, छह इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जब पांच है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे ही होगा, देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पांच ऑर्बिटल है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो टू सिक्स और टेन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, सिक्सटीन प्लस टू एट्टीन, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए आपके 18। इसको आप कैसे चेक करोगे, टू एन स्क्वायर से आप चेक कर सकते हो। किसी भी सबशेल पे इलेक्ट्रॉन्स निकालने का, किसी भी सबशेल पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो टू एन स्क्वायर होता है। एन की वैल्यू क्या है आपकी, थ्री है तो टू इंटू थ्री स्क्वायर दैट इज 18। तो इसको आप ऐसे भी यहाँ पर चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, ठीक हो गया। अब लास्ट है आपका, जब आपका एन की वैल्यू फोर है, एन की वैल्यू फोर है तो क्या होगा, एन होगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, जीरो वन टू और थ्री होगा। सिंबल क्या होगा आपका, सिंबल होगा आपका फोर है तो एस पी डी एफ, ये आपका एस हो गया, ये पी हो गया, ये डी हो गया
और ये आपका एफ हो गया। एम क्या आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो यहाँ पर जीरो होगा। एल की वैल्यू वन है तो क्या होगा, माइनस वन, प्लस वन और जीरो होगा। एल की वैल्यू टू है तो क्या होगा, प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन और माइनस टू होगा। एल की वैल्यू थ्री है तो कितनी वैल्यूज आएगी आपकी, सेवन वैल्यूज आएगी। कैसे आएगी, प्लस थ्री, प्लस टू, प्लस वन, जीरो, माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कैसे आ रही है। देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस एल से लेगा प्लस एल तक जाता है आपका, ये अभी अभी पढ़ा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, माइनस एल से लेगा प्लस एल तक जाएगा, या आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो टू एल प्लस वन से। ठीक है, तो टोटल आपकी सेवन वैल्यूज यहाँ पर रहने वाली है एम की। एस के आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, तो प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस हाफ, माइनस हाफ और प्लस हाफ और माइनस हाफ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल की बात करें तो देखो आपके एस में एक होगा ऑर्बिटल, पी में तीन ऑर्बिटल्स होंगे, डी में पांच ऑर्बिटल्स होंगे, एफ में आपके सेवन ऑर्बिटल्स होंगे। एफ का क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा, एफ का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, एक दो तीन चार पाँच छः और सात। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स, सब में आपके ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं आपके, सेवन ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे आपके, चौदह इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक में आपके दो इलेक्ट्रॉन्स है तो सेवन ऑर्बिटल्स में कितने होंगे, चौदह इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पाँच में कितने होंगे, दस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीन में कितने होंगे, छः इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और एक में कितने होंगे आपके, एक में आपके दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, टू, सिक्स, टेन और फोर्टीन, कितने हो गए आपके, थर्टी टू हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, बत्तीस हो गए। तो इसको आप टू एन स्क्वायर से चेक कर सकते हो, टू इंटू कितना, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, दैट इज थर्टी टू। तो आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 32 होने वाले फोर्थ शेल पे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चारों क्वांटम नंबर का हम यहाँ पर समराइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया, तो ये थे आपके चार क्वांटम नंबर जो आपको अच्छे से यहाँ पर समझने हैं, और ये आपको हेल्प करेंगे आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें हम होम्स रूल पढ़ेंगे, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ऑफ वर्क प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसका एनर्जी डायग्राम देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वांटम नंबर है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम एम से रिप्रेजेंट करते, ये आपका ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल का स्पेस में, इट टेल्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर स्पेस पे, उनका डायरेक्शन क्या है और किस तरीके से आपके स्पेस में वो ओरिएंटेड है, वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, क्या चीज़ लिखा है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल इन स्पेस। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं कैन हैव ऑल इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल थ्रू जीरो। एम जो यहाँ पर आपकी वैल्यूज लेगा वो माइनस एल से लेकर प्लस एल की वैल्यूज यहाँ पर लेता है, और बीच में आपका जीरो भी यहाँ पर पड़ेगा, मतलब माइनस एल प्लस वन, माइनस एल प्लस टू टिल जीरो, फिर आपका क्या आएगा वन टू थ्री अप टू एल। तो माइनस एल से लेकर प्लस एल की वैल्यूज यहाँ पर आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो थ्री है, तो आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। ये आपके यहाँ पर एम की वैल्यूज रहने वाली है। अगर आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज फोर है तो आपकी वैल्यू क्या रहेगी एम की, माइनस फोर, माइनस थ्री, माइनस टू, माइनस वन, जीरो, वन, टू, थ्री और फोर। ठीक है, तो इन जनरल अगर हम कहें यहाँ पर, इन जनरल हम कहें तो हम बोलेंगे कि एम आपकी टू एल प्लस वन वैल्यूज यहाँ पर लेगा। अगर एल की वैल्यू आपकी थ्री है तो 2 इंटू थ्री प्लस वन, दैट इज 7, तो 7 वैल्यूज आपकी यहाँ पर क्या होगी, m की यहाँ पर होगी। अगर आपकी l की वैल्यू 4 है तो 2 इंटू फोर प्लस वन, दैट इज 9 वैल्यूज आपकी यहाँ पर m की रहने वाली है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले से बता सकते हैं 2l प्लस वन से कि आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज यहाँ पर क्या रहेगी। ठीक है, अगर आपकी l की वैल्यू 5 है तो 2 इंटू फाइव प्लस वन, दैट इज 11 वैल्यूज आपकी यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रहने वाली है। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट क्या है, देखो अगर हम किसी भी शेल पे ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी भी शेल पे ऑर्बिटल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो किसी भी दो ऑर्बिटल्स की, किसी भी दो ऑर्बिटल का जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ये आपके शेल नंबर बताता है कि किस नंबर का आपका शेल है, और जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये क्या आपका बता रहा है, ये आपका बता रहा है ऑर्बिटल का शेप कैसा है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी शेल पे दो ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, किसी गिवन शेल पे दो ऑर्बिटल्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो उनका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये आपका यहाँ पर सेम हो सकता है। जो किसी भी दो ऑर्बिटल में आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है, उन दोनों की वैल्यूज आपकी सेम यहाँ पर हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की,
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो आपका वैल्यू होगी दोनों ऑर्बिटल की, वो आपकी डिफरेंट होती है हमेशा। किसी भी दो ऑर्बिटल की जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो आपकी डिफरेंट होती है, क्योंकि ओरिएंटेशन आपका स्पेस में डिफरेंट होगा दोनों ऑर्बिटल्स का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपकी n और l की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन जो m की वैल्यूज है वो आपकी यहाँ पर डिफरेंट रहेगी हर एक ऑर्बिटल की, किसी भी पर्टिकुलर शेल की जब हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन ऑर्बिटल्स है, एक है आपका पी एक्स ऑर्बिटल, पी वाई ऑर्बिटल और पी जेड ऑर्बिटल। ठीक है, तो पी एक्स, पी वाई और पी जेड की जो आपकी एनर्जीज है, इन तीनों ऑर्बिटल की जो एनर्जीज है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस है, तो उस केस में इन तीनों ऑर्बिटल्स की जो आपकी एनर्जीज होगी वो आपकी सेम रहती है। किसी भी जो आपके ऑर्बिटल्स है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे, तो उस केस में जो एनर्जी होती है आपकी इन तीनों ऑर्बिटल्स की सेम रहती है। ठीक है, तो जब आपकी एनर्जी सेम रहती है तो हम कहते हैं कि वो आपके जो ऑर्बिटल्स है वो डीजनरेट है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स उसको हम कहते हैं कि इनकी एनर्जीज आपकी सेम है। वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको हम बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे, तो उस केस में ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपकी सेम रहती है, मतलब आपके डीजनरेट होते हैं। लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हम यहाँ पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे, तो उस केस में जो एनर्जी है ऑर्बिटल्स की वो आपकी स्लाइटली यहाँ पर डिफर करती है। तब आपकी एनर्जी यहाँ पर सेम नहीं रहेगी, तब आपकी स्लाइटली यहाँ पर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफर करती है, जब यहाँ पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे। इसका रीज़न क्या है? देखो, जो आपके पास ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स में क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके मूव कर रहे, तो इनके मूवमेंट से आपका एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस हो रहा है, इनके मूवमेंट से आपका यहाँ पर एक एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस हो रहा है, और इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से आपका एक स्लाइट या कह सकते हो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। जो आपके ऑर्बिटल्स है, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके मूव कर रहे शेल पे, तो उसमें आपका एंगुलर मोमेंटम प्रोसेस हो रहा है, उस एंगुलर मोमेंटम की वजह से आपका एक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन जब आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को या कह सकते हैं अपने डायरेक्शन को रिलेटिव टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपका हल्का सा चेंज कर देता है। क्या कहा मैंने? देखो, जब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे एक्सटर्नल, तब तो आपकी एनर्जी सेम है, तब आपके ऑर्बिटल्स क्या, आपके डीजनरेट है। जब यहाँ पर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में एनर्जी आपकी स्लाइटली डिफर कर रही है। उसका रीज़न ये है कि ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो रहे, उस इलेक्ट्रॉन का आपका एंगुलर मोमेंटम है, तो एंगुलर मोमेंटम होने के कारण आपका यहाँ पर स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से आपका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों का इंटरेक्शन यहाँ पर हो रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और वो जो आपका स्लाइट स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आपका डेवलप हो रहा था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, तो वो दोनों आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये दोनों आपके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और जो आपका स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों का आपका इंटरेक्शन हो रहा है। इंटरेक्शन के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन को चेंज कर रहा है रिलेटिव टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ओरिएंटेशन है इलेक्ट्रॉन का या ऑर्बिटल का, वो आपका स्लाइटली चेंज हो जाता है रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिस कारण आपकी जो यहाँ पर एनर्जी है वो आपकी स्लाइटली यहाँ पर डिफर करती है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, तब आपकी एनर्जी स्लाइटली डिफर करती है, और जब हम एब्सेंस की बात करें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, तब आपकी एनर्जी ऑर्बिटल की यहाँ पर सेम रहती है, तब हम कहेंगे कि आपके वो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, क्या चीज़ लिखा है, द नंबर ऑफ डिफरेंट ओरिएंटेशन विच बिकम पॉसिबल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल है वो आपका डिपेंड करेगा एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पे, एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। और जो आपके ऑर्बिटल की डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हम डिटरमाइन करेंगे बाय द वैल्यू ऑफ एम। तो एल से हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, एल से आपका कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल है वो आपको पता चल रहा है, और एम से जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये आपका क्या बता रहा है, ये आपके ऑर्बिटल की डायरेक्शन बता रहा है रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारे पास, हम सबशेल की बात कर रहे हैं, अगर हमारे पास एस सबशेल है, अगर हमारे पास एस सबशेल है, तो एस सबशेल में क्या हो रहा है, एल की वैल्यू क्या आपकी जीरो है। एस सबशेल पे आपकी एल की वैल्यू क्या है, जीरो है, और आपकी एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू भी क्या रहेगी आपकी, जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ ओरिएंटेशन की बात करें,
तो कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन आपके पॉसिबल है? ओनली वन ओरिएंटेशन ही आपके यहाँ पर पॉसिबल होगा. एम की वैल्यू जीरो है तो आपकी ओनली वन ओरिएंटेशन यहाँ पर पॉसिबल होगा. कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल है? वन है आपके, वन ऑर्बिटल आपका इसमें प्रेजेंट है. ठीक है, फिर हम बात करते हैं पी सब शेल की. पी सब शेल की बात करें तो इसमें एल की वैल्यू क्या होगी? एल की वैल्यू इसमें आपकी होगी वन. ठीक है, तो जब आपकी एल की वैल्यू वन है तो उस केस में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज क्या रहेगी? देखो हमारे पास टू एल प्लस वन होता है तो टू इंटू वन प्लस वन दैट इज थ्री. तो तीन वैल्यू आपकी यहाँ पर होने वाली है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की. कौन कौन सी होगी? एक तो माइनस वन होगा, एक जीरो होगा और एक प्लस वन होगा. ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले से बता सकते हो टू एल प्लस वन से कि कितनी आपके यहाँ पर एम की वैल्यूज रहने वाली है. ठीक है, तो आपकी एम की वैल्यूज तीन है तो यहाँ पर हम बताएंगे कि यहाँ पर आपका तीन ओरिएंटेशन पॉसिबल है. तीन ओरिएंटेशन आपका यहाँ पर पॉसिबल है, थ्री ओरिएंटेशन आर पॉसिबल. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? देखो कौन कौन से होंगे, पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जेड होगा. तो तीन ऑर्बिटल आपके यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तीन ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पर प्रेजेंट होंगे. ठीक है, फिर आता है आपका डी सबशेल. तो डी सबशेल में एल की वैल्यू क्या होती है? टू होती है. तो देखो यहाँ पर क्या होगा, टू इंटू टू प्लस वन दैट इज फाइव. तो एम की वैल्यू क्या रहेगी आपकी? फाइव रहेगी. कौन कौन सी होगी? माइनस टू, देखो टू है तो माइनस टू से लेकर प्लस टू होगा. तो बीच में क्या आएगा? माइनस वन आएगा, जीरो आएगा, प्लस वन आएगा और प्लस टू आएगा. तो फाइव वैल्यूज आपकी यहाँ पर एम की रहेगी. तो कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल है? फाइव ओरिएंटेशन आपके यहाँ पर पॉसिबल है, पाँच ओरिएंटेशन आपके ऑर्बिटल्स के यहाँ पर पॉसिबल है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कितने होंगे आपके? फाइव ऑर्बिटल्स यहाँ पर रहेंगे. कौन कौन से रहेंगे? देखो एक रहेगा आपका कौन सा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और पांचवा कौन सा होगा? डी जेड स्क्वायर. ठीक है, तो ये फाइव ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पर रहेंगे. तो इस तरीके से हम आपका जो ओरिएंटेशन है और जो कितने नंबर ऑफ ओरिएंटेशन पॉसिबल है वो हम यहाँ पर बताते हैं और इस तरीके से हम डायरेक्शन बताते हैं आपके ऑर्बिटल्स की. ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें क्या बता रहे हैं, ओरिएंटेशन बता रहे हैं ऑर्बिटल्स का स्पेस पे. नेक्स्ट है आपके पास रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जीज. तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो है उनकी रिलेटिव एनर्जीज की. जो आपके हाइड्रोजन हो गए या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हीलियम पॉजिटिव हो गया या दूसरे आपके जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स नहीं है उनके अलावा जो आपके दूसरे है मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के अलावा जो आपके यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम्स और हाइड्रोजन है उनकी यहाँ पर रिलेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो किसी भी एटम पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन का एक परमिसिबल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन की एक परमिसिबल एनर्जी होती है. तो जब हम एनर्जी लेवल्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर आपका रिसाइड कर रहा है, जिस इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल पर आपका रिसाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं परमिसिबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है उसको हम बोलते हैं परमिसिबल स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करें जो आपके मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स नहीं है उन एटम्स की अगर यहाँ पर हम बात करें तो जिसका आपका सेम क्वांटम नंबर होता है, जिन ऑर्बिटल्स के आपके सेम क्वांटम नंबर होता है उनकी एनर्जी आपकी यहाँ पर क्या रहती है? सेम रहती है. और वो ऑर्बिटल्स जिनका सेम क्वांटम नंबर है उनकी एनर्जी आपकी क्या रहती है? सेम रहती है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स पे. जैसे अगर हम बात करें 2s और 2p ऑर्बिटल्स की, 2s और 2p ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पर आपको देखो इसमें आपको दिख रहा है 2s ऑर्बिटल आपका ये है और 2p ऑर्बिटल आपका ये वाला है. तो इसमें जो आपकी n की वैल्यू है वो क्या है? 2 है. तो सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जो आपके ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी आपकी सेम रहती है. तो यहाँ पर 2s और 2p की जो एनर्जी होगी वो आपकी सेम रहेगी, s और p ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी सेम है. सिमिलर तरीके से जैसे आपका n इक्वल्स टू 3 है तो n इक्वल्स टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जिसमें आपके जितने भी ऑर्बिटल होंगे उनकी जो एनर्जीज होगी वो आपकी सेम होगी. जैसे s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है और d ऑर्बिटल है. ठीक है, तो इन तीनों की एनर्जी आपकी n इक्वल्स टू 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे आपका सेम रहेगा. जैसे आपके पास n इक्वल्स टू 4 है तो n इक्वल्स टू 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जितने भी ऑर्बिटल्स आपके होंगे उनकी एनर्जी आपकी सेम रहती है. जैसे 4s हो गया, 4p है, 4d है, 4f है. तो s, p, d, f ऑर्बिटल की n इक्वल्स टू 4 पे आपकी एनर्जी यहाँ पर सेम रहेगी इन केस ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स. ठीक हो गया, समझ में आया आपको? जब हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात कर रहे हैं तो उस केस में ऑर्बिटल्स जो आपके सेम
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के है, जैसे आपके 2s हो गया, 2p हो गया, 2s हो गया या 2p हो गया, तो इसमें n की वैल्यू क्या है, 2 है, तो दोनों की आपके ऑर्बिटल्स की वैल्यू क्या है, n की 2 है, तो इन दोनों ऑर्बिटल्स की, s और p ऑर्बिटल की जो आपकी एनर्जी होगी वो सेम होगा। तो देखो यहाँ पर आपका वाई एक्सेस में ऊपर को एनर्जी लेवल आपका इंक्रीज कर रहा है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें अगर हम देखें तो n इक्वल्स टू 2 पे s और p ऑर्बिटल है, तो दोनों की s और p ऑर्बिटल दोनों की यहाँ पर आपकी एनर्जी सेम है। अब s में आपका एक ऑर्बिटल है तो मैंने एक से शो कर रखा, p में तीन ऑर्बिटल्स होते हैं तो मैंने तीन यहाँ पर आपके शो कर रखे। वैसे इसमें देखो s, p और d है, तो इसमें आपकी n की वैल्यू 3 है, तो ये आपका s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, इसमें तीन होंगे ऑर्बिटल, ये आपका d ऑर्बिटल है, इसमें टोटल आपके 5 होंगे, 1, 2, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो इसमें देखो s, p, d की जो आपकी एनर्जी होगी वो सेम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करते हैं, तो जिसका आपका सेम, वो ऑर्बिटल जिसका सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है, उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपकी सेम रहती है, जब हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं आपका मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या होते हैं, जिसमें आपके दो या मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर हम उन एटम्स की यहाँ पर बात करें, तो तब का क्या केस है, देखो तब आपके यहाँ पर सेम क्वांटम नंबर होने के बावजूद भी आपकी यहाँ पर एनर्जीज ऑर्बिटल की डिफरेंट हो सकती है। जैसे आप इसमें देखो, देखो ऊपर का वाई एक्सिस में आपका एनर्जी लेवल यहाँ पर बता रखा है, और यहाँ पर आपको बता रहा है कि कौन सा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ऊपर आपकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रखा है। तो अगर हम इसकी बात करें एन इक्वल्स टू टू की, एन इक्वल्स टू टू की बात करो, तो इसमें आपके दो ऑर्बिटल है, एक आपका एस ऑर्बिटल है और एक आपका पी ऑर्बिटल है। ये हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की, जहाँ पर आपके दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ये हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात नहीं कर रहे, वो हमने पीछे यहाँ पर बात करी, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में क्या हो रहा था, इसमें तो आपका क्या था कि जो आपके ऑर्बिटल्स है, अगर उनका आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो एनर्जी आपकी सेम रहेगी। जैसे एस और पी की एनर्जी आपकी सेम थी एन इक्वल्स टू टू पे, एस पी डी आपकी एनर्जी यहाँ पर सेम थी, क्योंकि आपका सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपका सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होने के बाद भी यहाँ पर आपका एस है और यहाँ पर आपका पी है, तो एन इक्वल्स टू टू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो आपका सेम है, लेकिन एनर्जी आपकी यहाँ पर डिफर कर सकती है जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपके पी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो आपके एस ऑर्बिटल से ज़्यादा है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी एस ऑर्बिटल से यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। किस केस पे, जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात कर रहे हैं। इन जनरल अगर हम बोले, इन जनरल अगर हम किसी मेन एनर्जी लेवल की बात करें, किसी भी मेन एनर्जी लेवल की बात करें, तो आपका जो यहाँ पर ऑर्डर होता है ऑर्बिटल्स का वो कुछ इस तरीके से होता है, एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर पी ऑर्बिटल की, फिर डी ऑर्बिटल की, और सबसे ज़्यादा होगी आपकी एफ ऑर्बिटल की। तो आप किसी भी एनर्जी लेवल पे देख लो, आपका इस ऑर्डर पे फॉलो हो रखा एस पी डी एफ, तो ये आपका ऑर्बिटल्स का ऑर्डर होता है अगर हम इन जनरल बात करें तो, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि अगर यहाँ पर हम किसी दो एनर्जी लेवल को कंपेयर करें, जैसे हम n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 पे जो आपके 3d ऑर्बिटल्स है, 3d ऑर्बिटल है, इनकी जो एनर्जी है वो स्लाइटली ज़्यादा है किससे, 3s ऑर्बिटल से, सॉरी 4s ऑर्बिटल से। ये आपके 3d ऑर्बिटल हो गया और ये क्या हो गया, आपका 4s ऑर्बिटल हो गया। तो लोअर एनर्जी लेवल होने के कारण भी आपका जो यहाँ पर ऑर्बिटल की एनर्जी है वो आपकी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द हायर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर देखो 3d है और यहाँ पर आपके पास 4s है, तो 3d की एनर्जी आपकी 4s से ज़्यादा है। यहाँ पर देखो आप, ये आपकी n की वैल्यू 3 है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास d ऑर्बिटल है, तो ये 3d ऑर्बिटल है, और यहाँ पर आपका n की वैल्यू 4 है, ये आपका 4s ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर आप देखो स्लाइटली आपका जो 3d ऑर्बिटल की एनर्जी है वो 4s ऑर्बिटल से आपकी ज़्यादा है। तो मैंने बोला 3d इज ग्रेटर देन 4s, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि लोअर एनर्जी लेवल, जो आपका लोअर एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी आपकी हायर एनर्जी लेवल से ज़्यादा भी हो सकती है, हायर एनर्जी लेवल से आपकी ज़्यादा भी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को देखकर एनर्जी ऑर्डर नहीं बता सकते। तो यहाँ पर हम कैसे बताएंगे, एक और पॉइंट है आपका, देखो यहाँ पर उस पर जंप करने से पहले अगर हम देखें, जिसकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है उसका जो एनर्जी है वो भी आपकी ज़्यादा है,
जिस ऑर्बिटल की एजीमुथल क्वांटम नंबर की या एल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी आपकी ज़्यादा है। देखो यहाँ पर आपके पास एस और पी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू होगा वो क्या होगा, वन होगा, और एस के लिए जो आपका एल की वैल्यू होगा वो जीरो होगा, ये हमें पता है। पी के लिए आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वन, और एस के लिए आपकी क्या रहती है, जीरो रहती है। ठीक है, तो क्या चीज़ आपको मिलेगा यहाँ पर, देखो एल की वैल्यू ज़्यादा है तो आपकी एनर्जी भी ज़्यादा है। तो इसमें आप देखो एस पी डी पे एन इक्वल्स टू थ्री वाले एनर्जी लेवल पे आप देखो एस पी और डी तीन ऑर्बिटल्स आपके पास है। ठीक है, तो एस है, पी है और डी है, तो एस के लिए एल की वैल्यू जीरो है, पी के लिए वन है, डी के लिए टू है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी एल की वो आपके हायर एनर्जी पे रखे गए हैं, वो आपके हायर एनर्जी पे रखे गए हैं। तो यहाँ पर एफ़ की वैल्यू क्या है, थ्री है, यहाँ पर आपकी एफ़ की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी, तो आपके सबसे ऊपर यहाँ पर एनर्जी पे वो है। तो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर बता सकते हैं कि जिसकी एल की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी जिस ऑर्बिटल की वो आपके हायर एनर्जी पे यहाँ पर होंगे। क्लियर हो गया। तो अगर हमें यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है एनर्जी लेवल का, तो हम बेसिकली एन प्लस एल रूल से उसको बताते हैं, एन प्लस एल रूल से हम उसको बताते हैं। ठीक है, एन प्लस एल रूल क्या कहता है, देखो एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल होता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी भी आपकी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, अगर n प्लस एल की वैल्यू आपकी कम रहेगी तो एनर्जी भी आपकी यहाँ पर कम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं 3d ऑर्बिटल की और 4s ऑर्बिटल की, ये 3d वाला हो गया और ये वाला आपका 4s ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, इन दोनों की एनर्जीज को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जो आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 3 है, और यहाँ पर आपका 4s पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, L की वैल्यू क्या होगी, देखो D है तो L की वैल्यू क्या होगी, 2 रहने वाली है। ठीक है, जब आपके N की वैल्यू 4s में क्या होगा, L की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। क्लियर हो गया, यहाँ पर हम N प्लस L रूल देख रहे, तो हमने देखा N की वैल्यू आपकी 3 है और L की वैल्यू 2 है, यहाँ पर आपकी N की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 0 है। तो N प्लस L रूल से अगर हम देखें तो ऊपर देखो 3D के केस पे N प्लस L की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 2 5 है, और यहाँ पर क्या होगा 4s पे, 4 प्लस 0 क्या है, 4 है, 4 प्लस 0 4 है। तो यहाँ पर आपकी जो n प्लस l की वैल्यू है वो 3d के लिए ज़्यादा है, यहाँ पर 3d के लिए 5 आ रही है n प्लस l की वैल्यू और यहाँ पर 4s के लिए 4 आ रही है n प्लस l की वैल्यू। तो जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपका एनर्जी पे ज़्यादा यहाँ पर रहेगा इन कंपेरिजन टू द अदर ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमने क्या बोला, जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी आपकी ज़्यादा होगी, जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम होगी तो उसकी एनर्जी भी आपकी कम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3D पे n प्लस l की वैल्यू 4s से ज़्यादा है तो यहाँ पर ये स्लाइटली ऊपर रहेगा देन द 4s ऑर्बिटल। समझ में आ गया। ठीक है, अगर आपकी वैल्यू n प्लस l की सेम आ जाती है बाय चांस, अगर आपकी n की वैल्यू किसी दो ऑर्बिटल के लिए सेम आ जाती है, आगे अभी हम फर्दर एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, अगर आपकी n प्लस l की वैल्यू सेम आती है तो उस केस में हम n की वैल्यूज़ को देखेंगे, उस केस पे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ को देखेंगे। अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर ऑर्बिटल तो यहाँ पर आपकी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, हो सकता है कि n प्लस l की वैल्यू आपकी किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए 4 आ जाए, किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए आपकी 4 आ जाए, दोनों की वैल्यू आपकी 4-4 आ जाए, तो हम n की वैल्यू को चेक करेंगे, उसकी n की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर n की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक की 2 है और एक की 3 है तो जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी आपकी यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। कब की हम बात कर रहे हैं, जब आपका n प्लस l की वैल्यू सेम आ रही है तब। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए n प्लस l का यहाँ पर यूज़ करते हैं रिलेटिव एनर्जीज को बताने के लिए ऑर्बिटल्स की। ठीक है, अगर आपके n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या करेगी आपकी यहाँ पर, इंक्रीज़ करेगी। अगर आपकी n प्लस l की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी आपकी डिक्रीज़ करेगी। अगर आपकी n प्लस l की वैल्यू सेम हो, सेम है किसी दो ऑर्बिटल्स के लिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम n की वैल्यू देखेंगे, हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू देखेंगे। तो अगर आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा है, दोनों ऑर्बिटल्स के हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को चेक करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल एक का 3 आ रहा है एक का 4 है तो n इक्वल्स टू 4 की एनर्जी आपकी ज़्यादा रहेगी, अगर आपकी n प्लस l की वैल्यू सेम है तो दोनों के लिए। ठीक है, आगे अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पर आपको और अच्छे से पता चलेगा जब हम ऑफ व प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया, तो ये बात थी आपकी रिलेटिव एनर्जीज़ की, जहाँ पर हमने पहले तो देखा कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की रिलेटिव एनर्जी हम कैसे दिखाते। तो अगर इसमें क्या, तो ये बहुत सिंपल था, इसमें अगर आपका ऑर्बिटल्स का सेम क्वांटम नंबर है तो उस पर आपकी एनर्जी सेम रहेगी।
ठीक है, क्योंकि इसमें आपका देखो 3s है, 3p है, 3d है, तो सेम क्वांटम नंबर के लिए एनर्जी आपकी सेम है। लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की बात करते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपकी एनर्जी डिफर करती है। सेम एनर्जी लेवल पे भी आपकी जो ऑर्बिटल्स की एनर्जीज है वो डिफर आपकी करती है, तो वो हम एन प्लस एल रूल से यहाँ पर बताते हैं। समझ में आ गया। अब आगे यहाँ पर हम जो आपका रूल होता है एनर्जी ऑर्डर का, जिसमें हम ऑफ वॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन और आपका जो हुंस रूल है वो अभी हम आगे यहाँ पर स्टडी करेंगे। अब आता है आपका ऑफ वॉ प्रिंसिपल। ऑफ वॉ प्रिंसिपल को हम बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी यहाँ पर बोलते हैं, बिल्डिंग अप प्रिंसिपल भी यहाँ पर हम बोलते हैं। तो अभी आपके तीन रूल्स आने वाले इंपॉर्टेंट, एक आपका है ऑफ वॉ प्रिंसिपल, दूसरा है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है आपका हुंस रूल। ये तीन आपके इंपॉर्टेंट रूल्स है या प्रिंसिपल है जिससे हम यहाँ पर आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी एटम पे किस तरीके से अरेंज हो रखे, उनका एनर्जी ऑर्डर क्या है, वो हम इन तीन प्रिंसिपल से यहाँ पर बेसिकली बताते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताने के लिए। ठीक है, तो ऑफ वॉ प्रिंसिपल क्या होता है, क्या चीज़ लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम आर सो अरेंज्ड दैट दे ऑक्यूपाई ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जी। एटम में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है कि वो आपके वही ऑर्बिटल्स को ऑक्यूपाई कर रहे जो आपके एनर्जी पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, मतलब लोअर टू हायर आपकी एनर्जी यहाँ पर जा रही है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स उन ऑर्बिटल्स को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले जिसकी एनर्जी कम होगी पहले वो फिल होगा, फिर उसकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, फिर आपका उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, तो आपके अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी आपके इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं, ये आपका ऑफ वॉ प्रिंसिपल यहाँ पर कहता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें, अगर हम इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस है, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपके जो इलेक्ट्रॉन है उनकी जो वैल्यूज है वो आपकी एन और एल पे डिपेंड कर रही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आपकी वैल्यूज यहाँ पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस तरीके से कुछ बनाता हूँ, यहाँ पर आपके पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पर आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ पर हो गया आपके ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यहाँ पर हो गया आपका एन प्लस एल रूल जो अभी हमने यहाँ पर देखा। देखो एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा, एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, वो हम एन प्लस एल रूल से यहाँ पर बताएंगे, जो अभी हमने प्रीवियस उसमें देखा, जो अभी हमने देखा यहाँ पर एन प्लस एल रूल, जिसकी आपकी एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी कम है उसकी एनर्जी आपकी कम रहेगी। ठीक है, अगर आपके एन प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाती है तो उसके लिए आपका हम एन की वैल्यू चेक करेंगे, जिसकी एन की वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो उसकी एनर्जी भी आपकी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर एन अगर आपके पास वन है, एन इक्वल्स टू वन, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इक्वल्स टू वन है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ऑर्बिटल क्या होगा आपके पास, एस होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर एन प्लस एल की वैल्यू क्या है आपकी, एन प्लस एल की वैल्यू है वन प्लस जीरो, दैट इज वन, तो ये क्या आया आपके पास, 1s ऑर्बिटल आया, कौन सा ऑर्बिटल आपका, 1s ऑर्बिटल है। अगर आपकी n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या आपकी 1 है, l की वैल्यू आपकी 1 है, तो उसमें कौन से ऑर्बिटल होंगे, इसमें आपका एक 2s ऑर्बिटल होगा और एक आपका 2p ऑर्बिटल होगा। ठीक हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका, देखो 2 प्लस 0 दैट इज 2 और 2 प्लस 1 दैट इज 3, 2 प्लस 1 दैट इज 3, तो जिसकी n प्लस l की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी आपकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर 2p की एनर्जी आपकी 2s से ज़्यादा होगी। अगर आपकी n की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर क्या होगा, l की वैल्यू क्या आएगी आपके, देखो l की वैल्यू आएगी आपकी, देखो यहाँ पर मैंने 0 और 1 करना था मुझको, यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर आपकी n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या होगा, 0 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका 3s और यहाँ पर आएगा आपका 3p और यहाँ पर क्या आएगा आपका 3d, तो 3s 3p और 3d, तो यहाँ पर n प्लस l की वैल्यू क्या होगी, 3 प्लस 0 दैट इज 3, 3 प्लस p क्या आपके पास 1 है, तो 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4 और 3 प्लस 2 दैट इज 5। ठीक है, तो 3s 3p और 3d पे देखें तो यहाँ पर क्या आपके पास, देखो यहाँ पर आपका जो 3d की वैल्यू है n प्लस एल की वो सबसे ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी भी आपकी ज़्यादा रहेगी। तो ये हम ऑर्डर्स लिख रहे हैं, पहले आपकी 1s फिर 2s 2p 3s 3p और 3d। अब दो चीज़ आप यहाँ पर देखो, एक चीज़ आपने नोटिस यहाँ पर करी होगी, यहाँ पर आपकी 2p की एनर्जी, 2p का जो आपका n प्लस एल है इसकी वैल्यू 3 है, और 3s के लिए भी आपका जो n प्लस एल है इसकी वैल्यू भी आपकी 3 है।
ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि अगर आपकी n प्लस एल की वैल्यू किसी दो ऑर्बिटल के लिए सेम हो जाती है, जैसे यहाँ पर आपका हो रहा है 2p के लिए भी आपका 3 है और 3s के लिए भी आपका 3 है, तो हमें क्या देखना है, जिसकी n की वैल्यू आपकी ज़्यादा है वो ऑर्बिटल की एनर्जी आपकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपका n इक्वल्स टू 3 है और यहाँ पर आपके पास n इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पर n इक्वल्स टू 3 वाले जो ऑर्बिटल की एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर 3s की जो आपकी एनर्जी है वो ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू 2p, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपका ऐसे ही रहेगा। फिर आता है आपका n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 4 के लिए l की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 और 3 होगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिलेंगे, यहाँ पर आएगा 4s और 4p, 4d और 4f आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n प्लस एल देखो, तो यहाँ पर मिलेगा आपको 4 प्लस 0 दैट इज 4, 4 प्लस 1 दैट इज 5, 4 प्लस 2 दैट इज 6, 4 प्लस 3 और ये आपका 7 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर भी आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे ही होंगे 4, 5, 6 और 7, तो जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है वो आपके ज़्यादा एनर्जी पे यहाँ पर रहेगा। तो अभी तक हमें ऑर्डर इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का। और इसी तरीके से आपके किसी भी एलिमेंट का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वो आपके इसी ऑर्डर पर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसी ऑर्डर पर यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, पहले 1s के इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे, फिर 2s के होंगे, फिर आपके 2p के होंगे, फिर 3s के होंगे, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, तो इस तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका बनेगा n इक्वल्स टू 5 के लिए, तो उसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4 ये आपकी l की वैल्यूज़ होगी यहाँ पर, तो उसके लिए हम ऑर्बिटल लिखेंगे और फिर हम n प्लस एल की वैल्यू को देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपके हायर ऑर्डर पर यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी लिखूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 1s, 2s, 2p और 3s, अगर इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 और 3 है, तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू देखनी थी, n की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका आपका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो 2p, 3s हो गया, फिर क्या आपका 3p हो गया, 3d हो गया, 4s हो गया, फिर आपका 4p है, फिर आपका 4d है, 4f है, अप टू सो ऑन आपका ऐसी चलती रहेगा, ठीक है। तो इसका एक ट्रिक होता है, एक डायग्राम होता है जिसे हम ऑफबाउ एनर्जी डायग्राम कहते हैं, वहाँ से आप इजीली पता लगाओगे कि किसकी एनर्जी आपकी यहाँ पर ज़्यादा है किन ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो आपको वहीं रिमेंबर करना है, इस तरीके से आपको यहाँ पर याद नहीं करना है, वैसे आपको याद होगा क्लास 11th की आपकी चीज़ें है, बस मैं आपको यहाँ पर फिर से ये चीज़ बता रहा हूँ, आपके सिलेबस में भी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से होता है, वो आपने देखा होगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्लास 11th पे, तो 1s, 2s ये हम ऑफ बाउ एनर्जी डायग्राम बना रहे हैं, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, इस तरीके से आपको लिखना है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s, ठीक है। फिर यहाँ पर आएगा आपका 2p, 3p, एक छोड़ करके नीचे 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p, ठीक है। फिर एक छोड़ करके 3d, 4d, 5d और 6d, ठीक है। फिर एक छोड़ करके लिखोगे आप 4f और 5f, इस तरीके से आपको ध्यान देना है, पहले 1s से लिखोगे 7s तक, फिर एक यहाँ पर छोड़ दोगे आप, फिर नीचे से स्टार्ट करोगे 2p से लेकर 7p तक, फिर एक और छोड़ोगे 3d से स्टार्ट करोगे 3d से लेकर 6d तक, और फिर एक और छोड़ोगे 4f और 5f, ठीक है। इस तरीके से आपका बनता है, या आप इस तरीके से ट्राइंगल बना सकते हो, इस तरीके से याद कर सकते हो। वैसे बहुतों को आपको आता होगा ये, क्योंकि क्लास 11 की चीज़ है, सिंपल है, ठीक है। लेकिन जिसको नहीं पता मैं बता रहा हूँ फिर से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पे यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ऑफ बॉ एनर्जी डायग्राम से। तो देखो हम कैसे यहाँ पर इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखेंगे, ये हमारे पास 1s है, ये आपका कुछ ऐसे चलेगा, ये आपका 2s है, फिर ऐसे जाएगा, फिर आपका ये ऐसे जाएगा, देन आपका यहाँ पर इस तरीके से जाएगा ये, ये आपका 4d हो गया, 5p हो गया, 6s हो गया, देन आपका 4f है, 5d है, 6p है, 7s है, फिर आपका यहाँ पर 5f है, 6d और 7p है। तो ये आपका इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर पे आपका जाएगा, ठीक है। मतलब देखो पहला 1s है आपका, फिर क्या आ रहा है, 2s आ रहा है, ठीक है, फिर आपका क्या आ रहा है, 2p आ रहा है,
फिर आ रहा है आपका 3s आ रहा है, फिर 3p आ रहा है, फिर 4s आ रहा है, फिर 3d आ रहा है, फिर आपका 4p आ रहा है, फिर आपका 5s आ रहा है, 4d है, 5p है, 6s है, फिर आपका 4f है, 5d है, 6p है, 7s है, 5f है, 7p है और 6d है। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जा रहा है, ये आपका ऐसे 2s, फिर आपका यहाँ पर 2p, 3s हो गया, फिर आपका 3p, 4s, देन आपका 3d, 4p, 5s, फिर आपका 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर आपका 5f, 6d और 7p। तो कभी भी आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आपको ये एनर्जी ऑर्डर को यहाँ पर मेंटेन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ऑफ बॉय एनर्जी डायग्राम यहाँ पर बनाते हैं। और कभी भी अगर आपको कभी आप भूल रहे हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी एटम को कैसे करना है, तो आप इस ऑफ बॉय एनर्जी डायग्राम को यहाँ पर याद कर सकते हो, आप बना भी सकते हो, ईजी है, ठीक हो गया। तो ये होता है आपका ऑफ बॉय एनर्जी डायग्राम। और इसको मैं देखा कैसे, इसको हम एन प्लस एल रूल से यहाँ पर देख रहे हैं। ये एनर्जी ऑर्डर पर आपके कैसे लग रखे, ये आपके एन प्लस एल रूल से यहाँ पर लगे हुए हैं। जिसके एन प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा है उसके आपके यहाँ पर ऑर्बिटल की एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपका आता है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है आपका पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो अराउंड 1925 के लगभग वुल्फगैंग पॉली, ये इनका नाम था यहाँ पर, तो वुल्फगैंग पॉली ने यहाँ पर अपना एक एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था जिसे हम पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर कहते। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि किसी भी एटम पे दो इलेक्ट्रॉन की सेम वैल्यूज आपकी चारों क्वांटम नंबर की नहीं हो सकती है। किसी भी एटम पे दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज सेम उनकी नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1s2 है हमारे पास, हम हीलियम एटम की बात कर रहे हैं, तो हीलियम एटम पे हमने 1s वाला ऑर्बिटल लिया है, तो इसमें आपके 1s पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है। ये 1s ऑर्बिटल है आपका, इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बोला है कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन की सेम वैल्यूज नहीं होगी चारों क्वांटम नंबर्स की, ये आपका एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर कहता है। मतलब देखो 1s2 है आपके पास, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर हम लिख लेते हैं और ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, यहाँ पर आपके पास आएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर, यहाँ आपके पास है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ये आपके पास है स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसका जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या है, 1 है, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है, देखो s है तो l की वैल्यू क्या है, 0, m की वैल्यू भी क्या है, 0, और स्पिन क्या होगा आपका, प्लस हाफ होगा, ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में होगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, इसमें भी 1 है, l की वैल्यू इसमें भी आपकी 0 है, m की वैल्यू इसमें भी आपकी 0 है, क्योंकि हम इसी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, हम हीलियम एटम के 1s ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए हमने चारों क्वांटम नंबर लिखे आपके, n की वैल्यू 1, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए। और यहाँ पर भी सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी ऐसे ही है, n की वैल्यू 1 ही है आपके पास, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू भी 0 है और s की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस हाफ है, क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज है, तो यहाँ पर क्या आपके पास एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे ये आपका स्पिन यहाँ पर होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि आपके किसी भी एटम पे जो आपके पास ऑर्बिटल है उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो किसी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपके जो n, l और m की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज यहाँ पर डिफरेंट होगी। किसी भी ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपकी n, l और m क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन जो उनका स्पिन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक आपका प्लस हाफ है मतलब क्लॉकवाइज है और एक आपका माइनस हाफ है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ऑर्बिटल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होंगे वो आपके पेयर्ड होंगे, वो आपके पेयर्ड स्पिन पे होंगे, इस तरीके से कुछ, ठीक है। मतलब एक ऑर्बिटल में आपके कम से कम दो इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये आपका यहाँ से एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से निकलता है, क्लियर हो गया। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर, तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स की सेम वैल्यूज नहीं हो सकती है चारों क्वांटम नंबर्स की, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम आपके दो ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं। एक आपका ये हो गया जिसका स्पिन आपका क्या है, यहाँ पर आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और एक क्या हो गया आपका, क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो दो ही इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर फिल हो सकते हैं एक ऑर्बिटल पे, यहाँ से हमें ये कंक्लूड होता है। इसकी दो एप्लीकेशन है इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान देनी है।
देखो ये तो आपकी एप्लीकेशन है पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। पहले क्या कह रहा है कि एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन टू इलेक्ट्रॉन्स। एक ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे हम 1s ऑर्बिटल की बात करें तो इसमें आपके मैक्सिमम कितने होंगे, 1s ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो किसी भी ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते और वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पेयर्ड होंगे और आपके अपोजिट डायरेक्शन पर यहाँ पर वो लाई करेंगे। सेकेंड क्या बोला है, इन एनी मेन एनर्जी लेवल या हम शेल की बात कर रहे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल और इज इक्वल टू एन टू एन स्क्वायर वेर एन इज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। किसी भी एनर्जी लेवल शेल की हम बात कर रहे हैं, एनर्जी लेवल मतलब एन इक्वल्स टू वन टू थ्री अप टू सो ऑन, तो इसके अगर हम बात कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी शेल पे, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बोला है इट इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। मतलब अगर आपके पास पी ऑर्बिटल है तो इसमें आपके क्या होंगे, एक आपका पी एक्स ऑर्बिटल होगा, एक आपका पी वाई ऑर्बिटल होगा और एक आपका पी जेड ऑर्बिटल होगा, ठीक है। तो क्या बोला है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्वाइस होंगे टू द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो इसमें कितने ऑर्बिटल है, एक पी एक्स ऑर्बिटल है, एक पी वाई ऑर्बिटल है और एक पी जेड ऑर्बिटल है। तो जितने आपके ऑर्बिटल है उसके ट्वाइस, मतलब तीन ऑर्बिटल्स है तो इसके ट्वाइस आपके यहाँ पर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, मतलब सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल इसमें होंगे, ठीक है। तो इसमें आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसमें भी आपके दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पी एक्स पे दो इलेक्ट्रॉन्स, पी वाई ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स और पी जेड ऑर्बिटल में आपके दो इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऐसे आप डी ऑर्बिटल की बात करोगे तो इसमें क्या होगा आपके पास, वन टू थ्री फोर और फाइव, ठीक है। तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके ट्वाइस क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स में फिल होंगे। तो फाइव आपके ऑर्बिटल्स है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये आपका डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी जेड एक्स है, ये आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये आपका डी जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा आपके यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल होंगे वो आपके एक ऑर्बिटल में दो ही आ सकते हैं, तो टोटल कितने होंगे आपके, टेन इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल होंगे, ठीक है। या तो हम इसको ऐसे बताएंगे या क्या बोला है, इट इज़ इक्वल टू टू एन स्क्वायर, या वो आपके टू एन स्क्वायर के इक्वल है जहाँ पर एन आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो टू एन स्क्वायर की कैसे होगा, देखो अगर हम एन इक्वल्स टू वन की बात करें, अगर आपका मेन एनर्जी लेवल वन है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, टू इंटू वन का स्क्वायर दैट इज टू, ठीक है। अगर हम बात करें एन इक्वल्स टू टू की बात कर रहे हैं, एन इक्वल्स टू टू सेकेंड एनर्जी लेवल है तो इसमें टू एन स्क्वायर है, तो टू इंटू टू का स्क्वायर दैट इज एट, इसमें आपके एट इलेक्ट्रॉन्स होंगे सेकेंड शेल पे। कैसे होंगे, अगर हम एस पी डी एफ की बात करें तो देखो आपके पास एन की वैल्यू टू है, तो इसमें एल की वैल्यू क्या होती है आपकी, एन माइनस वन तक होती है, तो जीरो और वन होगा, मतलब एन इक्वल्स टू टू पे आपका एस ऑर्बिटल भी होगा और पी ऑर्बिटल भी होगा। तो एस ऑर्बिटल में क्या होगा आपका, इसमें तो दो इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे और पी ऑर्बिटल में क्या होगा आपके, छह इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, तो छह इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए, दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, टोटल कितने हो गए, एट इलेक्ट्रॉन्स है। या तो आप ऐसे देखो या तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी बता सकते हैं, दैट इज टू एन स्क्वायर से, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन है, दो एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन आया आपका पॉलिस का, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर आपका लास्ट टॉपिक हुंड्स रूल, ये आपका लास्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, इसको हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी यहाँ पर बोलते हैं, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने ऑफवा प्रिंसिपल पढ़ा था और इससे पहले हमने क्या देखा, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ऑफवा प्रिंसिपल हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कैसे फिल किए जाएंगे ऑर्बिटल्स पे अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एनर्जी। तो इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग आपके जो ऑर्बिटल्स है उसमें हम किस तरीके से फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, वह हमने ऑफवा प्रिंसिपल में यहाँ पर देखा था। और पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने क्या देखा था कि किसी भी ऑर्बिटल पे आपके मैक्सिमम कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फिल हो सकते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे देखा था। और दो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके होंगे उनका जो क्वांटम नंबर होंगे, चार क्वांटम नंबर, उनकी वैल्यूज आपकी यहाँ पर सिमिलर नहीं होगी, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने यहाँ पर दो रूल्स पढ़े ऑफवा और पॉलिस का, इन्होंने आपका ये एक्सप्लेन नहीं करा कि वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज इक्वल है, एनर्जीज जिनकी इक्वल है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज आपकी इक्वल है, जैसे आपके पी एक्स हो गए, पी वाई हो गए और पी जेड ऑर्बिटल हो गए, इनकी एनर्जीज की आपकी लगभग इक्वल है, तो वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जीज आपकी इक्वल है उस पर हम इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करेंगे, वो हमें ऑफवा और पॉलिस ने यहाँ पर नहीं बताया। तो वो आपको हुंड्स रूल से पता चलता है कि वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जीज लगभग आपकी सेम है उस पर इलेक्ट्रॉन फिल करने का तरीका क्या होगा,
ठीक है, तो वो हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से यहाँ पर बताते हैं। जैसे आपके पी एक्स है, पी वाई और पी जेड है, इनकी एनर्जीज आपकी लगभग सेम है, तो जिनकी सेम एनर्जीज है तो उस पर आपके इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होंगे, क्योंकि अगर आपका हम यहाँ पर ऑफ बॉम्ब में कह रहे हैं कि इंक्रीजिंग एनर्जी पे वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इंक्रीजिंग एनर्जी पे आपके यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, लेकिन अगर इनकी एनर्जी आपकी सेम है तीनों की, तब कैसे फिल होंगे, तो अब हुंड्स रूल से यहाँ पर पता चलता है। ठीक है, तो हुंड्स रूल कहता क्या है, देखो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिखा है, ये आपका हुंड्स रूल का स्टेटमेंट है, बोला कि वैन मोर देन वन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल देन द इलेक्ट्रॉन विल फर्स्ट ऑक्यूपाई दिस ऑर्बिटल सेपरेटली विथ पैरेलल स्पिन, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ओनली आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सब लेवल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या बोला है, जब आपके एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जीज इक्वल है, जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जीज आपकी इक्वल है, जैसे आपके पास पी एक्स, पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल है, तो इनकी जो आपकी एनर्जीज है वो आपकी सेम है। ठीक है, और जिनकी एनर्जी आपकी सेम होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर डी जनरेट ऑर्बिटल्स, ये होते हैं आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स। डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी आपकी सेम होती है। तो बोला है कि वेन मोर देन वन ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जीज आर अवेलेबल देन द इलेक्ट्रॉन्स विल फर्स्ट ऑक्यूपाई दिस ऑर्बिटल सेपरेटली विथ पैरेलल स्पिन, तो इलेक्ट्रॉन्स जो आपके पास यहाँ पर होंगे वो हर एक ऑर्बिटल को पहले सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास नाइट्रोजन एटम है, इसका एटॉमिक नंबर है 7, तो इसका जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इन टर्म्स ऑफ ऑफ एनर्जी डायग्राम, तो वो क्या होगा, 1s2, 2s2 और 2p3 होगा। ठीक है, तो 2p में कितने आपके पास, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि पी ऑर्बिटल है इसमें आपके पी एक्स, पी वाई, पी जेड की एनर्जी सेम होगी, तो जो आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स है इसको फिल करने का तरीका क्या होगा, वो हमें हुंड्स रूल यहाँ पर बता रहा है। बोल रहा है कि अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जीज आपकी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे हर एक ऑर्बिटल पे, तो ये पी एक्स ऑर्बिटल है, ये पी वाई ऑर्बिटल है और ये आपका पी जेड ऑर्बिटल है, तो पहले पी एक्स ऑर्बिटल में आपका एक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होगा, फिर पी वाई ऑर्बिटल में होगा, फिर आपका पी जेड ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, और क्या बोला है, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ओनली आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ अ गिवन सब लेवल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहाँ तो पहले बोला है कि आपका पहले ऑक्यूपाई करेंगे दिस ऑर्बिटल सेपरेटली विथ पैरेलल स्पिन, इनका जो स्पिन होगा वो पैरेलल होगा, ये इनका जो स्पिन होगा वो आपका पैरेलल होगा, तो हमें दिख रहा है आपका ये एक ही पैरेलल स्पिन पे यहाँ पर है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, ये सब तीनों की तीन आपकी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, या तो आप ऐसे बनाओ या तो आप ऐसे बना सकते हो, तो इनका ये पैरेलल स्पिन पे आपके होंगे और सिंगली ऑक्यूपाई होंगे हर एक ऑर्बिटल पे। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट ओनली आफ्टर ऑल द ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन सब लेवल आर सिंगली ऑक्यूपाइड। पेयरिंग कब होगा, जब आपके हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई होगा, हो जाने के बाद आपके यहाँ पर पेयरिंग होगी। अभी तो आपके तीन ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके पास 2p4 होता तो इसमें हम कैसे करते, ये आपका px है, ये आपका py है, ये आपका pz है, तो 1, 2, 3 पहले हम सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे सबको पैरेलल स्पिन के साथ, फिर जो आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन आएगा वो आपका वापस px पे यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर पेयरिंग आपकी स्टार्ट होगी। अगर आपके पास 2p5 होता तो यहाँ पर आपका फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आता, अगर 2p6 होता तो आपका सिक्स्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये पेयरिंग करनी होती है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल। ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं कर सकते हम, अगर आपके पास पी एक्स है, पी वाई और पी जेड है, तो अगर आपके पास यहाँ पर 2p3 है तो हम इस तरीके से यहाँ पर नहीं बनाएंगे, ये चीज़ आपकी गलत है। ठीक है, करेक्ट वे क्या बनाने का, पहले हम हर एक ऑर्बिटल को सिंगली ऑक्यूपाई करेंगे 1, 2 और 3। ठीक है, फिर अगर आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन है तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका वापस पी एक्स में आएगा, तब आपका वो पेयरिंग करेगा। इस तरीके से आपके यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फिलिंग आपकी होगी ऑर्बिटल्स पे। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है, क्यों आपके यहाँ पर ऐसा होता है कि आपके सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, क्यों आपकी पेयरिंग नहीं करते कुछ इस तरीके से, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए आपको। देखो होता क्या है कि ये जो आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये ट्राई करते हैं कि इन पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है, ये जो आपका इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन्स दोनों आपके नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन है वो आपका कम से कम हो, तो इसलिए वो आपका ये ट्राई करते हैं कि वो दूरी यहाँ पर बनाए रखे, तो आपके तभी वो ऑर्बिटल्स जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके ऑर्बिटल्स में पेयर्ड स्पिन पे यहाँ पर रहते हैं, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन हो मिनिमम हो। ठीक है, तो इसलिए आपके यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो हर एक ऑर्बिटल्स में आपके पे क्या रहेंगे, पैरेलल स्पिन पे रहेंगे, और जब आपके तीनों ऑर्बिटल्स फिल हो जाएंगे उसके बाद आपके यहाँ पर पेयरिंग शुरू होगी। तो ये रीज़न भी आप बता सकते हो, ड्यू टू मिनिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन दे टेंड टू कीप देम फार अवे। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर दूरी यहाँ पर बनाए रखते हैं, क्योंकि आपके जो रिपल्जन है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन वो सबसे वो मिनिमम रहे, आपका जो ऑर्बिटल है वो स्टेबल रहे, तो इस कारण आपके वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में यहाँ पर रहते विद पैरेलल स्पिन। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पर हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से भी आपके बनते हैं। तो ये था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर का पूरा कंप्लीट इन वन शॉट। तो इसमें आपके जितने भी टॉपिक्स हैं वो हमने यहाँ पर कवर करे, बाकी जो इसके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ये फिजिकल केमिस्ट्री के, आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे पूछे गए तो उसको भी आपको देखना है। ठीक है, तो इससे पहले हमने यहाँ पर स्टीरो केमिस्ट्री देखा था, फिर हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग देखा था, और फिर हमने यहाँ पर अभी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म का भी हमने कंप्लीट कर रखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।